धूम्रपान और मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है। सुन लो जी सुन लो ना, कहती क्या ये पुरवाई। सुख दुख का खेला ये, किस्मत की है चतुराई। सुन लो जी सुन लो ना, कहती क्या ये पुरवाई। सुख दुख का खेला ये, किस्मत की है चतुराई। बचपन है बीता खेल खिलौनों में, हुए जवां कब पता नहीं। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे हम, मिलता है सब कुछ यही। संसार चलता है जैसे अविरल धारा, उस धारा में सबको बहकर है जाना। किस बात का है अहम तेरे इस मन में, सबको ही मिट्टी में एक दिन मिल जाना। ना जाने कोई भी ये किसकी माया है, किसने ये सारी दुनिया बनाई है। मतलब के संगी साथी, मतलब के रिश्ते हैं, ये ही जगत की सच्चाई है। जग में जो आया है उसको तो जाना है, सबकी किस्मत है ये टूटे तारे। ये धरती पर्वत पानी रहेंगे ऐसे ही, हमको है जाना चले। संसार चलता है जैसे अविरल धारा, उस धारा में सबको बहकर है जाना। किस बात का है अहम तेरे इस मन में, सबको ही मिट्टी में एक दिन मिल जाना। ये सब कैसे हुआ?
हौसला रखिए। मत कर बेटा, ऐसा मत कर। छोड़ो मुझे। सुनो दीदी, ये हमारे पति नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहन, ऐसा क्यों कह रही है? कब से कह रही हूँ, आप मान क्यों नहीं रही है? ये हमारे पति नहीं है। अरे दीदी, मैंने चावल पकाने को रखे हैं, जल जाएंगे, देख कर आती हूँ, ठीक है? ए, इसे ऐसे लेकर क्यों आया? कोई डब्बा मिला नहीं भाई। अच्छा ठीक है, कहीं संभाल के रख दे और कपड़े से ढक दे। हाँ रखता हूँ। क्या हो गया? अरे अरे, ऐसे मार क्यों रही है? उस पन्नी में क्या है? अच्छा वो पेट्रोल है। पीने के लिए? क्या वो पिया नहीं जाता, उसे जलाने के लिए आया है। मैंने कहा ना, हमारे पति नहीं है, समझते क्यों नहीं है? अरे ये पागल भी ना। ए, उसे कपड़े से ढक दे, वरना धूप से वो आग पकड़ लेगा। एक बात बताऊं, सिर्फ वीआईपी लोगों की ही जीवन गाथा नहीं होती, हम जैसे आम इंसानों की भी होती है। हर किसी की जिंदगी जीवन गाथा बन सकती है, अगर गौर करें तो। ये देखिए, ये जो नीचे पड़ा है ना, ये है राम नरेश, बहुत ही अच्छा आदमी था। और वो है अनारकली बाबा, गांव के पूजनीय है। वो नीले रंग की शर्ट जो पहने हुए हैं, वो है इसके मामा, और साथ में है उनका बेटा। गमछे में मुंह छुपाए हुए हैं रुद्रा भाई, और ये सारे कमीने राम नरेश के दोस्त हैं। शुक्रिया। ये जो चाय दे रही थी, इनका नाम वाणी है, हमारे बाबा की धर्म पत्नी। हम सभी को पता है कि हर कहानी में ट्विस्ट होता है, पर इसकी जिंदगी की कहानी तो ट्विस्ट के अंदर है, बल्कि इसका जन्म ही ट्विस्ट है। अरे जोर लगा बेटी। और कितना जोर लगाऊं, ऐसे तो मेरी आंतें बाहर आ जाएंगी। अरे बात मत कर, जोर लगा। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, सभी के साथ ऐसा ही होता है। इस प्यार की वजह से ही मेरी ये हालत हुई है, अगर अब मुझे छुआ ना तो मार डालोगे। ऐसे समय पे औरत के साथ आदमी भी चिल्लाता है क्या? साले साहब, तुम्हारा भांजा गले में गर्भनाल फंसा कर पैदा हुआ है, जो मामा के लिए अशुभ होता है। तुम्हारा बेटा अभी से मुझ पर डोरे डाल रहा है, ये तो बड़ा होके बहुत गुल खिलाएगा। हो सकता है इसे भूख लगी हो। ए, उठाना। पैदा होते ही बूढ़ी माँ की ब्लाउज में हाथ डाला था, आदतें भगवान कृष्ण वाली थी, इसीलिए इसके बाप को ये डर था कि बड़ा होकर ये जरूर लड़कियों को छेड़ेगा, इसीलिए इसका नाम भगवान राम के नाम पर राम नरेश रखा। शायद वो ये सोचते थे कि ये भी उन्हीं जैसा ही बनेगा। अच्छा चलो तुम बताओ, ए फॉर क्या होता है? एप्पल, मतलब ए फॉर एप्पल। एक से ज्यादा हो तो एप्पल्स। ठीक है तुम बैठो, अब तुम बताओ। बी फॉर टीचर, बी फॉर बॉल। कई सारे हो तो बॉल। ठीक है बैठो, चलो बेटा अब तुम बताओ। बोलो एफ फॉर, एफ फॉर नहीं पता है? एफ फॉर फॉक्स, और हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी, और एक से ज्यादा है तो फॉक। बोल फॉक, फॉक, फॉक। क्या कहा? फॉक। चुप कर पागल, बैठ जा, मैं वहां आ गई तो बहुत पिटाई करूंगी। चलो राम नरेश तुम बताओ, मेरी साड़ी कैसी है? शिफान की है ना टीचर, बहुत अच्छी है। और इसकी कीमत कितनी होगी? 170 रुपए की। अच्छा सच में? मैंने तो 200 रुपए दे दिए। कितनी बार बोला है जब साड़ी लेने जाओ तो मुझे लेकर जाया करो ना। अच्छा ठीक है, अगली बार तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। जी फॉर क्या होता है बताओ? नहीं टीचर, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा ना आपकी बार लेकर जाऊंगी। तो जब लेकर जाओगी तब बताऊंगा। हर कोई गांव में राम नरेश को औरतों का दीवाना कहता, पर सच ये था कि वो औरतों का नहीं, साड़ी का दीवाना था। वो अपनी एक साड़ी की दुकान डालकर भगवान राम की तरह एक ही पत्नी के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता था। मुझे तुझसे कुछ बताना है बेटा। मैंने 110,000 में मारवाड़ी को खेत बेच दिया है, और उसमें उसमें क्या?
पिताजी 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 हेलो हाँ सच में हे भगवान मैं आ रहा हूँ हाँ ए सूरी हाँ चल मेरे साथ हाँ आता हूँ क्या हुआ इन्हें मैं नहाने के बाद पूजा कर रहा था और ये सिगरेट पी रहे थे तभी मुझसे कहा खेत बेचकर कर 110,000 मारवाड़ी के पास रख दिए हैं 110,000 क्या 110,000 मैं अभी अपने लोगों को लेके आता हूँ उसके बाद क्या कहा बस इतना ही कहा और अचानक शांत हो गए इनकी जान जा चुकी है पिताजी अरे इतनी जोर से मत रो बेटा वहाँ जाने के बाद वापस आने में बहुत तकलीफ होती है रुक जा पिताजी धीमे से रो भाई पिताजी अरे बेटा मेरे मरने से पहले तुलसी पानी डाल दे तुलसी पानी मुंह खोलिए मुंह खोलिए एक दो तीन तेरी माँ बुला रही है चलो शुरू हो जा पिताजी हमें छोड़कर चले गए अबे बैठ जाना अगले गेम में तुझे भी ले लेंगे अबे ये सब छोड़ो और जल्दी चलो अबे कहाँ जाना है वो राम नरेश का बाप नहीं रहा ये तो बहुत बुरा हुआ निकल लिया वो चलो कोई बात नहीं लेकिन हम लोग वहाँ जाके क्या करेंगे जाना भी है तो थोड़ी देर से चलते हैं अबे पागल उसका बाप ना 110,000 रुपए छोड़ के गया है 110,000 ये सब नीचे रख और तू लिख लिख हाँ बोल 10 बोतल दारू 2 डिब्बे बियर के 2 किलो चखना उबले हुए मूंगफली के दाने 4 किलो चिकन और 10 तंदूरी वो तो लिख लिया मैंने अबे तो तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो बेचारे का बाप मर गया है चलो दर्द बांटते हैं ना चलो 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 अबे तू यहाँ क्यों आया बदबू फैलाने अरे जल्दबाजी में धोना भूल गया वो सब छोड़ो मेरी बात सुनो अबे चल चल जल्दी चल राम राम सत्य है राम नाम 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 सत्य है श्रृंगार का सामान ले लो जब से तुझे देखा मैंने मेरा तन मन डोले यूं ही तुझे देखा करूं ये ही मेरा दिल बोले खजरा रे ये नैन तेरे मैं उनमें ही खो जाऊं बस ये ही तमन्ना है काश मैं तेरा हो जाऊं तुम ही बसी हो हमारी हसरत में ये दिल है पागल तेरी मोहब्बत में
कितने खूबसूरत थी न वो, उसे देखते ही मैं अपने पिताजी के मरने का गम भूल गया। सोच रहा हूँ उससे शादी। शादी मत करना। देख, शादी से पहले औरतें बहुत प्यार से बात करती हैं, लेकिन शादी के बाद तांडव शुरू हो जाता है उनका। अब मेरी ही जिंदगी देख ले, मैंने खूबसूरती देखकर शादी की। खूबसूरत होने के साथ साथ वो क्रांतिकारी भी रही है, लेकिन मुझसे पूछा नोच कर क्या डाला। तेरे जैसे लोग कभी अच्छी बात नहीं बोलते, हमेशा मनहूस बात करते हैं। मुंह बंद रख अपना। तेरी किस्मत ही खराब है, तुझे कोई नहीं बदल सकता। उसका नाम जयप्रदा है, उसकी बहन है जयसुधा, माँ का नाम है जयचित्रा, उसका बाप फालतू है, वो बेचारी बिंदी सिंदूर बेचती रहती है। अब और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके घर के पास जा, वहाँ एक बूढ़ी औरत मिलेगी एकदम पकाओ, नाम है मनोरमा, जाके उसी से पूछ। अब मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी बीवी मुझे कूट डालेगी। थैंक्स दोस्त, गॉड ब्लेस मी। मच्छर बहुत काट रहे हैं। अगरबत्ती जला दूं? कितनी बार कहा है अगरबत्ती से एलर्जी है, हाथ से भगाओ। जो मच्छर मुझे काट रहे हैं उन्हें भगाओ, जो तुम्हें काट रहे हैं उन्हें काटने दो। क्या कहे, इसका बाप जब जिंदा था तो उसने 1,10,000 रुपए बचा के मारवाड़ी सेठ के पास रखे थे, तो इसके कमीने दोस्तों ने ये सब किया है ताकि इसे फंसा के सारा पैसा ऐड ले। कल तुम लोग पिताजी को भी ऐसे ले जा रहे थे ना? नीचे उतारो इसे। ए, फूल बंद कर। हाँ, ठीक है। अरे शुरू करो। पिताजी ने तो कहा था 1,10,000 रुपए। 1,10,000 और कुछ नहीं बताया क्या? कुछ बताने वाले तो थे, लेकिन उससे पहले ही शांत हो गए। तो आगे मैं बता देता हूँ। तुम्हारे बाप ने 60,000 रुपए का कर्ज लिया था, उसका ब्याज मिला के हो गए 1,00,000 रुपए, फिर घर गिरवी रख दिया। तब 80,000 का कर्ज लिया था, उसका भी ब्याज मिला के हो गए 1,00,000 रुपए। मैं तो ये 10,000 रुपए भी उसी ब्याज में काटने वाला था, लेकिन अब जब तुम्हारा बाप कल मर गया तो खर्चे तो होंगे ही ना, इसलिए दे रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें जरा भी शक हो रहा है तो यहाँ पर सारा हिसाब लिखा है, खुद ही देख लो। देख लो। ए, तूने वो पर्चा रखा है ना जिसमें लिखा था कि क्या क्या लेना? सब कुछ काट दे। 1 बोतल दारू, 3 बियर, 1 किलो चिकन, बस इतना ही रख। हाँ, ठीक। सुनो भाई, 10,000 अगर मुझे देते हो तो 1 साल में फूलों का धंधा करके डबल करके दे दूंगा। सुनो, पहले मेरे 500 रुपए तो दे दो। बड़े ऐसे जाने वाले भाई, अब क्या करें हम लोग? सुनो भाई, इस जुलूस का पूरा इंतजाम मैंने किया था, लौंडे बुलाए थे डांस के लिए, 1,000 रुपया खर्च हो गया। मैंने करने के लिए कहा था। बाबा, हम तो 500 में लाए थे, 1,000 क्यों बता रहे? मुंह बंद करना। ए, पकड़। भाई भाई भाई, हम लोगों ने भी बहुत सारी प्लानिंग करके रखी थी पार्टी की। कितने? 3,000। अब 1,000 भी चलेगा। चल बे।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरधानगम्यं ओम श्री विष्णुवे नमः। मैं साड़ी का धंधा शुरू करने वाला हूँ, उसके लिए शुभ मुहूर्त बताइए। ओम शुभ मंगल सावधान कल्याणं भवतु। पुष्य नक्षत्र में सिंह राशि और बेटा, अगले 15 दिनों तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, पर अगर तुम साड़ी का व्यापार करने जा रहे हो तो कन्या राशि में अश्विन और ये चंद्रमा सिंगार का सामान ले लो। इसी महीने की 16 तारीख को पूर्णिमा तिथि है, उसी दिन। अरे कहाँ चला गया? गधे, तुझे शर्म नहीं आती क्या? उस दिन भी अरे अरे, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी जोर से नहीं लगी, अपना नाटक बंद करो। उस दिन भी तुम मुझे घूर रहे थे ना? चाहो तो किसी और दिन चिल्ला लेना, पर अभी नहीं। जोर से लगी क्या? मैं कुछ मदद कर दूं? रुको रुको, इसे दिन में 3 बार खाना है, या तो बीमारी जाएगी या आप चले जाएंगे। इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो मतलब मेरी दवा सही है, ठीक है ना? तो अब जाइए ना। ये क्या, ये कंधे पे हाथ रख के इसके साथ कहाँ घूम रहा है? के भाई पटाली के लगता है आज ये लड़की से पटवा के रहेगा। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? उन कमीने बच्चों ने बॉल मार दी। कहाँ मारा? बांस की झाड़ी के पास। अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा चोट कहाँ लगी। ए, चुप रहना, बह रहा है क्या? बांस का झाड़ नहीं समझता। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा। इसे उस जगह पर लगी है। हाँ समझते नहीं। संभल के भाई, संभल के। आराम से, आराम से। ऊपर कर, ऊपर कर। भाई सब तहस नहस हो गया है, लगता है कमीने कॉर्क बॉल से खेल रहे थे। हिम्मत, देख रही है? ठीक है तो मैं चलती हूँ। रुक जा, ज़िप बंद कर, बैठ जा, आराम से, आराम से। सुनो ये बेकार तो नहीं हुआ ना? भाई अभी इसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता, शाम तक कुछ जरूरी दवाइयां तेरे घर पे पहुंचाऊंगा, तब तक तू बर्फ के कुछ टुकड़े ले ले। किसमें मिलाऊं? वहां पे रखना है। अच्छा। और कुछ दिनों तक इससे कोई काम मत ले, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तेरा दहेज बच जाएगा। क्या कहा, 70 रुपए? मैं दूसरों की तरह चाइना वाला सामान नहीं बेचती हूँ। समुद्र में हजारों फीट की गहराई से निकले पत्थरों से बना है ये सब। अगर अच्छा? इसे गले में पहनेंगी तो सोने का हार भी फीका पड़ जाएगा। आखिरी भाव बोलती हूँ, 100 रुपए से कम नहीं दूंगी। लाओ दे दो, बहुत अच्छा बोलती हो, ये लो पैसे। ठीक है। अरे सुनो, वो ठीक हुआ क्या? तुमने चेकस कराया? सेक्स? चुप करो, कैसी बात कर रहे हो? मैं वो नहीं कह रही, चेकस मतलब जांच करवाया या नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? किस लिए? उस दिन अपने पिता का जनाजा लेकर जाते समय मुझे देखकर ही क्यों कर रहे थे तुम? वो उस दिन तो मुझे ना तो तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई दे रहा था, ना महसूस हो रहा था। अच्छा, बड़ी अजीब बीमारी है। तुम्हारा नाम क्या है? राम नरेश। मेरा नाम जया, जया प्रदा। मुझे पता है, नाम जया प्रदा, पास के गांव की हो और काम तो दिख ही रहा है। ओ, सब कुछ पता करके मेरे पीछे पड़े हो? नहीं, पीछे पड़ने के बाद सब पता चला। अच्छा,
कब तक पैदल धंधा करोगी? साइकिल पे बैठ जाओ, मैं आधे घंटे में पूरा गांव घुमा दूंगा। हाँ तो ठीक है, बैठती हूँ। पर अगर तुमने कोई फालतू हरकत की ना, तो इस बार कोई डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर चलो। खाना है क्या? क्यों, खास ज्यादा स्वादिष्ट है? तो हाथ आगे करो। तेरी परछाई बनकर चलूंगा मैं, तेरी हर मन्नत बनके रहूंगा मैं। ख्याल तेरे ही रहते मन में, सपनों में भी तू आए, यही दुआ है मेरी खुदा से, तू बस मेरी बन जाए। ये नशा है या खुमारी ना समझ आए, तुम ही बसी हो हमारी हसरत में। ये दिल है पागल तेरी मोहब्बत में, जब से तुझे देखा मैंने मेरा तन मन डोले, यूं ही तुझे देखा करूं ये ही मेरा दिल बोले। खजरा रे ये नैन तेरे, मैं उनमें ही खो जाऊं, बस यही तमन्ना है, काश मैं तेरा हो जाऊं। तुम ही बसी हो हमारी हसरत में, ये दिल है पागल तेरी मोहब्बत में। सुनो, कल मैं अपने दोस्त के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ, रिश्ता लेकर तैयार है ना? क्या कल? हाँ कल ही। तुम्हारे पिताजी ने हाँ कर दी तो ठीक है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो रात को 12 बजे हम लोग यहाँ से भाग चलेंगे। मेरे पापा मानेंगे या नहीं मुझे कैसे पता होगा? क्यों, तुम वहाँ नहीं रहोगे? देखो अगर मैं वहाँ रही ना तो मेरे बाबा तुमसे बात ही नहीं करेंगे, तुम्हारे आने पर आसपास रही तो मार डालेंगे मुझे। अच्छा, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे वो गाँव के मुखिया है। जब मैं उनसे बात करके वापस लौटूंगा तो तुम कहीं आसपास ही खड़ी रहकर मुझे देखना, मैं मुस्कुराते हुए आऊं तो समझ जाना कि वो शादी के लिए मान गए हैं, और अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हें आंख मारूंगा, फिर तुम रात को भागने के लिए तैयार रहना। क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार निकले। उषा, तब तक मुझे मीठा क्यों नहीं खिला देती? हाथी, तुम्हारे बाप और मेरे बीच में वाकई बहुत पुरानी पहचान थी। तुम मेरी बेटी से शादी के लिए रिश्ते की बात करने सीधे आए, और प्यार के नाम पे तुम ज्यादा घूमे फिरे नहीं। इससे देखकर समझ आता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी कैसी परवरिश की। लेकिन मैं इसके लिए राजी नहीं हूं, क्योंकि हम दोनों की जात अलग अलग है। आज के समय में जाति पाति क्यों सोच रहे हैं? आज के समय में खाना खा रहे हो ना, आज के समय में पेट साफ कर रहे हो ना, तो आज जब सब कुछ पुराने समय का चल रहा है तो मैं जात पात की बात क्यों ना करूं? आप सही कह रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं। सुनिए ससुर जी। ए, सुनो, मुझे ससुर जी पुकारोगे तो जवाब दूंगा, लेकिन अगर मेरी बेटी का हाथ मांगोगे ना तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। चलो निकलो यहाँ से, सुना नहीं क्या? ये क्या हुआ, आपके साथ साथ ऐसे चेहरा क्यों हिला रहा है?
क्या मतलब है? ये आँख मार रहा है, हंस रहा है। जया, जया। हाँ, पापा बुला रहे। अरे सुनना, मुझसे आँख नहीं मारी जा रही यार। क्या बोला? तुझे आँख मारने नहीं आती? हाँ हाँ वही। किसने कहा कि आँख मारने से चीजें बदल जाती हैं? मजाक मत कर यार, उससे कहा था तेरा बाप नहीं माना तो मैं तुम्हें आँख मारूंगा, उसके बाद हम रात को यहाँ से साथ में भाग चलेंगे। पर मैं उसे आँख नहीं मार पाया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम कर, उसके बाप से पूछ कैसे मारनी है, वही बताएगा तुझे। चल यहाँ से। समझा कर यार, मैंने उसे जुबान दी है। अबे तू हरिश्चंद्र जो जुबान दे दिया, बात करता चल, हर जगह फंसाता रहता है। दिखाई नहीं देता क्या? भूल गए जब मैं गजरा पहनती हूँ तो तुम्हें बिस्तर पर सोना है? तुमने गजरा पहना है? हे भगवान, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान दिया ना, चलो आ जाओ। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, वरना मेरी शर्त याद है ना? यही कि मुझे चूड़ियाँ पहन के रहना होगा। बहुत हुई बकबक, अब काम शुरू करो। अबे तू लेट कैसे हो गया? अबे तो क्या करूं, आज मेरी बीबी ने गजरा पहना था, तू नहीं जानता उस दिन मुझे उसे खुश करना पड़ता है। क्या हुआ, इस बार भी दिया बुझने से पहले तू बुझ गया क्या? शर्म नहीं आती? तेरी बीबी महीने में एक दो बार तुझे मौका देती है और तू वो भी खराब कर देता है। कोई चीज इकट्ठा करते हैं एक दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा दो दिन के लिए। अरे कोई महीने भर के लिए थोड़ी इकट्ठा करता है। भाषण दे रहा है। भगवान करे तेरी परेशानी दूर हो जाए। ए, तेरा ससुर आजा। दूर क्यों खड़ी है? अबे पागल, यहाँ उषा, तुझे लगता है तू इनका दामाद है? अभी चूड़ियाँ बहुत आवाज कर रही हैं, इन्हें उतार दे। क्या कहा? चूड़ियाँ निकाल दूं? बीवी गला दबा देगी मेरा। और ये उठ गया तो ये दबा देगा। बीवी के हाथ से मरने से अच्छा है इस बुढ़े के हाथ से मर जाऊं मैं। किस्मत फूटी है मेरी, चल। कैसे? अरे छत से चल। अभी ये क्या तरीका पकड़ने का? ऊपर कैसे चढ़ेगा? एक काम कर, तू नीचे झुक। मैं? हाँ, हमें झुकना। इस रमा ने अपने चक्कर में मेरी जिंदगी एकदम गधे जैसे कर दी है। अबे मार दिया लेगा क्या बे? अरे उषा संभाल दे, अबे तेरे पूसा के चक्कर में संभाल के की भूसा निकल जाएगी बे। अबे ए, आजा आजा ऊपर। लेकिन कैसे? तेरे पैरों के पास एक सीढ़ी पड़ी है, उस पे चढ़ के आजा। अभी जब सीढ़ी यही थी तो मुझे झुकाने की क्या जरूरत थी बे? आजा संभल के, संभाल के आजा, संभाल के। यहाँ से उस पे नजर रखना, कहीं वो जाग ना जाए। वो सो रहा है, सो रहा है। किनारे रख दे इसको यहाँ पे। अबे पूरी छत खोल देगा क्या? नीचे से उसे साफ साफ दिखाई दूं इसलिए हटा रहा हूं। उषा, उषा। अभी जरा धीरे बोल, बुड्ढा जग जाएगा। उषा, उषा। बहुत रोई मेरे लिए, चेहरा सूजा हुआ है तुम्हारा। पागल, आग क्यों नहीं मारी थी? राजा खोल, अरे ए खोल। सुनो उषा, बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या? अरे आवाज आई थी। बताओ।
तो चलो ना। कोई मेरे घर के अंदर चोरी करने के इरादे से घुस गया, उसे बाहर निकलवाओ। अरे जल्दी आओ ना भाई। अरे वो तो अंदर ही है, मुझे को दिखा रही है। उधर 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 देखिए, नाला है, डरपोक कहीं का। ये आदमी आपकी बेटी को भगाने के लिए आया, डाका डालने वाले तो नहीं लगते। तेरी तो चल जल्दी जल्दी। अरे तुम्हारे बाप के पास दिमाग नहीं है क्या? अब देखो ना, उसे पता है मैं उसका दामाद हूँ, फिर भी मुझे लौंडिया पास क्यों कह रहा है? मेरे बाबा के बारे में ये सब मत कहो। तो और क्या कहूँ? उन्हें इज्जत से ससुर जी बुला। अरे भाई, अरे इसे तो भूल ही गया था। सुन, साइकिल पे आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, चल चल चल, संभाल के। अरे भाई, अबे जल्दी चल, मेरी साइकिल के पास देसी कट्टा पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी। बर्दाश्त कर लिया, इतनी सी बात के लिए उसे गोली थोड़ी मार सकता हूँ। वैसे भी अब वो मेरा ससुर बन गया। अबे तुझे मारूंगा बे, तेरे ससुर को नहीं। क्या बोला? अबे ये लोग बहुत मार रहे हैं, भाग लेंगे बे। अरे अबे जल्दी चल। उषा पकड़ के रखना, संभाल के दोस्त। उषा संभाल के जाना। अरे भाग मेरे भाई। अरे वाह, ये तो हमसे भी अच्छा भाग रही है। इसका देखो, देसी कट्टे से नहीं बल्कि इसे देसी बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ये पंचायत किस लिए चाचा? इसको मार के घर पे लेके चलते हैं ना। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे पति को छू कर दिखा। दम है तो कदम आगे बढ़ा। डरपोक कहीं का, अगर तेरी हड्डी नहीं तोड़ दी ना तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। हम औरतों को कमजोर समझते हो क्या? हिम्मत है तो कदम बढ़ाओ इसकी तरफ। मैं देखती हूँ कौन मायका लाल मेरे गाँव वालों को हाथ लगाने की हिम्मत रखता है। रुक जा, जानता भी है वो कौन है? नहीं जानना मुझे। अगर उसने चुटकी बजाई ना तो गुरिल्ला गैंग यहाँ आ जाएगी। तो समझ बेटा, अपनी मर्दानगी को काबू में रख। क्यों रे, मर्दानगी खत्म हो गई क्या? शांति शांति, ये गुस्से से सुलझने वाले मुद्दे नहीं है। थोड़ा शांत रहो सब लोग। देखो श्याम, तुम्हारी बेटी के कारनामे चारों तरफ फैल चुके हैं, इज्जत तो गई। अब अगर अपनी बेटी को यहाँ से ले जाकर कहीं और शादी करोगे और उसके साथ ना निभा पाई और वापस भाग कर यहाँ आ गई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, ब्याह इसी से कर दो। ठीक है, जैसा आप कहें। ए राम नरेश, इसका ख्याल अच्छे से रखना। तुझे तो बिरादरी से निकाल देना चाहिए क्योंकि तूने गलत काम किया। तेरी पहली गलती इसलिए माफ कर रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 3,000 रुपये जाति समूह को दो और 3,000 पंचायत को दो और 3,000 इसके माँ बाप को देने के बाद इससे यहीं ब्याह करके घर लेकर जाओ। ठीक है सरकार, आता हूँ। चिंता मत करो। ये लीजिए सरकार। हाँ दे दो इसे। तुम्हें क्या हो गया? ऐसे नीचे क्यों बैठे हुए हो? बोलो ना क्या हुआ है? उदास होते हो तो अच्छे नहीं लगते हो। चलो बोलो, दिल हल्का हो जाएगा। धंधे के लिए जो पैसे बचाए थे वो सब पंचायत को देने पड़े। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, सोच सोच के सिर फटा जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात, मुझे बस एक मिनट दो। चलो हाथ आगे करो। पर क्यों? इसे गिरवी रख दो और अपना धंधा शुरू कर लो। नहीं नहीं रख सकता, तुम्हारा है। इसमें मेरा तुम्हारा क्या है? ये हमारा है, चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा हम साथ रहेंगे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसे अगर एक और शब्द कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। जब तुम कमाने लगोगे तो ऐसे 3 और खरीद देना। और हाँ, एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेना,
क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम रोज साइकिल चलाकर घर आओ और थके रहो। आरती ले लो, अब शुरू करो। साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, करिश्मा करीना ऐश्वर्या पहनती है, वो साड़ियाँ मेरे पास है, साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ अनुष्का ने जो पहनी है। अरे बेटा इधर आ। अच्छा अच्छा दादी, इस गांव में रहता है? यहीं का हूँ। अच्छा अच्छा, बाप का नाम क्या है? विजय का बेटा हूँ। ओ ऐसा क्या, अच्छा है ना वो? पिताजी तो अब नहीं रहे दादी जी। ओ बहुत बुरा हुआ। अच्छा उससे कहना कि मनोरमा ने याद किया। ये बुढ़िया तो वही है। ठीक है मैं उनसे कह दूंगा, अगर आपसे पहले मरा, अगर आप पहले मर जाएं तो खुद ही कह देना। ओ, मैं क्यों पहले मरूंगी, तू पहले मरेगा पागल कहीं का। बुढ़िया पागल कहीं की। नया फोन है क्या? हाँ भाभी, आपके भाई साहब हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं, जब जरूरत होती है कभी उनसे बात ही नहीं हो पाती है, इसलिए ये फोन ले लिया। कभी कभी तो मैं अपनी माँ से भी बात कर लेती हूँ, और इसे संभालना भी बहुत आसान है। आप भी एक ले लो भाभी। हाँ बिल्कुल मैं भी लूंगी। क्या बात है भैया, आज बड़ी जल्दी घर आ गए। तुम्हारी भाभी ने हुक्म दिया था, कहा था गर्मियाँ चल रही हैं, 12 बजे से पहले आ जाना, इसीलिए मुझे आना पड़ा। सही कह रहे हैं आप, सच में आज बहुत गर्मी है। तू भी आ गया क्या भैया? अपनी पत्नी को धूप से बचाने के लिए छाता खरीद कर लाए हो? नहीं मुझे लगा बारिश होने वाली है। बकवास मत करो, गर्मी के दिन में बोल रहा है कि बारिश होगी, आजकल ये एकदम पागल हो गया है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ चलता हूँ। चलो चलो। क्या हो रहा है अच्छी खासी गर्मी में, देखो कैसी बारिश हो रही है, भगवान जाने क्या है। चलो छोड़ो, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, तब तक मैं पैसे रख देता हूँ। खोलो। ये है भविष्य के लिए, ये गिरवी चीजें वापस लाने के लिए, ये दुकान खोलने के लिए, और ये घर के खर्चे के लिए। घर खर्च के लिए इतने ही काफी है, अब जाओ और जाकर हाथ पैर धो लो, फिर खाना खाते हैं। ठीक है। क्या हुआ इतनी रात को तुम यहाँ? मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए भैया। हाँ बताओ ना भाभी। भाई ये है रुद्रा भाई, आज रात के लिए इन्हें यहाँ रहने दीजिए ना। वो क्या है कि मैं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें मदद तो करनी ही चाहिए, एक दिन क्या हफ्ते भर रुक सकते हैं। अंदर आइए ना। जाइए। खाना खाया या नहीं? जी अभी तो नहीं खाया। अरे तो क्या हुआ, अपनी बहन के घर खा लो, रुकिए मैं बना कर लाती हूँ कुछ। लो खाओ भैया। लो थोड़ी और दाल ले लो। जरा एक मिनट रुको। क्या हुआ? फोन आ रहा है। बाइक पे बैठ के बात कर लो। कुछ सुनाई नहीं देगा ना। हेलो क्या कहा? हे भगवान। अरे क्या हुआ? मेरी माँ। माँ माँ आइए आइए। माँ आओ दामाद जी, यहाँ बैठो। बताइए ससुर जी क्या हुआ? थोड़ा पानी मिल सकता है? सिर्फ पानी क्यों दामाद जी, ड्रिंक लेके आता हूँ ना। कमाल है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या, खुद को लटकाया क्यों? शांत हो जा बेटी, किस्मत ही फूटी है। बाबा ने कुछ कहा क्या? तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? बताऊंगी तो तुझे भी दुख होगा। नहीं होगा, बताओ मुझे
जया, तूने जाति से बाहर शादी कर ली, इसीलिए तेरी बहन से कोई शादी करने को तैयार नहीं। दूर के एक गांव में बात की पर उसने भी मना कर दिया। जया, मेरी एक इच्छा पूरी करेगी? बताओ ना माँ। मेरी कसम का बात नहीं टालेगी। ठीक है, कसम खाती हूँ। अब बताओ क्या बात है। ये लो दामाजी। आपके पैर तो चीते से भी तेज हैं ससुर जी। आप बिना कैसा मजाक करते हैं दामाद जी। सच कह रहा हूँ ससुर जी, आप जवानों से भी फुर्तीले हैं। आप इतना तेज भागते हैं तो उस दिन मुझे पकड़ क्यों नहीं पाए? उस दिन मुझे आपने पकड़ लिया होता तो क्या करते? ऐसे ही मजाक में पूछ रहा हूँ, बताइए ना ससुर जी। तो मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाता और बहुत धूमधाम से शादी करता आपकी। हाँ। लेकिन उस दिन आपकी दौड़ देखकर ऐसा लगा तो नहीं? इतनी गालियां दी आपने मुझे और साथ ही मुझे लौंडियाबाज भी कहा, ऐसा भी कोई करता है क्या? बुरा मत मानना दामाजी, दिल पे मत लेना कोई बात आप। हाँ? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन आपका दौड़ना और गालियां नहीं भूल सकता। एक बात बताइए, उस दिन जो 3,000 रुपए दिए थे वो मुझे कब लौटा रहे हैं? लौटा दूंगा ना, कुछ ही दिनों में लौटा दूंगा आपको। बाद में, अभी लौटाइए ना। लाइए, आज ही दीजिए। चलता हूँ ससुर जी। क्या कहती हो, वो मान जाएगा क्या? वो मना लेगी। बाबू, तुम्हें भगवान राम पसंद है ना? बहुत। तो तुम्हें भी अपनी जुबान पर रहना पसंद है? प्राण जाए पर वचन न जाए, एक शब्द एक बाण और एक पत्नी। तो मुझसे एक वादा करो। ये लो, बोलो क्या चाहिए। जुबान से पलटोगे तो नहीं? अगर पलटे तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। कारण नहीं पलटूंगा, मांगो जो मांगना है। सिल्क की साड़ी चाहिए, नाक की बाली चाहिए, जो चाहिए मांग लो, जान मांगो वो भी दे दूंगा। मेरी बहन से शादी कर लो। तेरे बाप ने जिस समय मुझे कुर्सी पे बिठाया था उसी समय शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, दौड़ दौड़ कर मेरे लिए ठंडा लेकर आया था। अब ये तो मैंने फिर भी नहीं सोचा था। सुनो, तुमने मुझे जुबान दी है। हाँ, एक पत्नी की बात भी तो कही थी। तो ठीक है, मैं भी एक काम करूंगी, तुम्हारे उठने से पहले ही आत्महत्या कर लूंगी मैं, फिर तुम उससे शादी कर लेना। जैसा कि तुमने कहा, तुम्हारी एक ही पत्नी होगी। कुछ भी नहीं होगा, न उससे शादी करूंगा न तुम्हें मरने दूंगा। देखते हैं। मेरी बात तो सुनो। उषा, 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 कहाँ गई? उषा, उषा, भगवान राम सीता माता के बिना रहे थे, लेकिन मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मुझे जिंदगी और मौत तेरे साथ ही चाहिए। मैं भी तेरे पास आ रहा हूं उषा। उषा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तुम जिंदा हो उषा? तुम्हें क्या लगा मैं आज ही मर गई क्या? आज अमावस्या है, आज नहीं मरूंगी, कल मरूंगी मैं। अभी तुम्हारे चक्कर में मैं मर गया होता। उषा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ,
जी छोड़ दो ना। खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, जब तक शादी वाली बात नहीं भूल जाती मैं खाना नहीं खा सकता। ठीक है, तो यही ठीक है। अगर तुम भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। ठीक है ठीक है, परोसो। उषा, दो बीवियों को संभालना बहुत मुश्किल होता है और सौतन का झंझट बहुत बुरा होता है। अगर तुम नहीं संभाल पाए तो मैं फिर से अपना धंधा शुरू कर दूंगी ताकि सब कुछ संभल जाए। हम दोनों में कभी झगड़ा भी नहीं होगा क्योंकि मैं जैसा कहूंगी वो वैसा ही करेगी। और वैसे भी तुम परेशान मत हो, हमारे बीच का हम लोग देख लेंगे। तुम उससे शादी कर लो, समझ गए ना? मैं नहीं करूंगा। तो मैं मर जाऊंगी, सच कह रही हूँ। मरोगी तो मैं भी मर जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, जब तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह नहीं तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूँ? चलो साथ में मर जाते हैं। अरे मेरी बात सुनो। ये लो। मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा। क्या हुआ तुझे, इतना ढीला हो गया है? मैं बताती हूँ भैया, आप होटल गए हो। होटल? मैं कब गया? हाँ बस कल्पना करो ना, आप होटल गए हो। हाँ ठीक है ठीक है। और आपने वहाँ इडली मंगवाई, वो आपको इडली के साथ वड़ा भी दे रहे हैं मुफ्त में, तो आप लोगे या नहीं? मैं तो मजे से खाऊंगा। तो मैंने भी इनसे वही बात कही, जो मुफ्त में मिल रहा है ले लो उसे। ये आदमी बात ही नहीं मान रहा, 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, ठीक से सोए भी नहीं है, इसीलिए ऐसी हालत है। क्या यार क्यों जिद कर रहा है, जब मिल रहा है तो ले ले। है? वो मुफ्त की चीज इसकी बहन है। है? इनकी बहन कह रही है मैं उससे शादी कर लूं। ये तो बढ़िया ऑफर है, अभी तो शादी कर लेना। हाँ। क्या बकवास है। अब इसे इडली सांभर पूरी सब कुछ खिलाओ, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, ये नॉर्मल भी हो जाएगा, अच्छी नींद भी आएगी। अब मैं चलता हूँ। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, मेरी बात मान लो और राजी हो जाओ ना। मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्या बात है, ऐसे उदास चेहरा बनाकर क्यों बैठे हो, थोड़ा मुस्कुराओ ना। मेरे राजा, उसे कुछ भी नहीं पता है, वो बहुत मासूम है, इसलिए तुम्हें ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा उसे। जिस तरह मुझ पर कूद पड़े थे उसके ऊपर मत कूदना, डर जाएगी वो, समझे ना? ये ले, मिला दे दूध में। क्या है ये? मेरी बात सुन, उसकी शादी जबरदस्ती करवाई है, इसलिए हो सकता है बिना कुछ किए ही सो जाए। अगर ये दूध में मिलाएगी ना तो बिना ये रह नहीं पाएगा। मैं और तेरे बाबा चाची के यहाँ सोने जा रहे हैं, ठीक है ना? चल मिला दे। जैसे ही अंदर जाएगी ना अपने जीजा को ये दूध पिला देना, डरना बिल्कुल मत, और बात करते वक्त आराम से बात करना, चिल्ला के मत करना, जीजा की बात मानना, समझ गई ना? मैं यहाँ बाहर ही हूँ, कोई जरूरत पड़े तो बुला लेना। अब चल। उससे पियो। मैं थोड़ी देर के बाद पी लूंगा। अभी पीना पड़ेगा, दीदी ने बोला है। छी, तुम्हारा झूठा, मैं नहीं पीऊंगी, तुम ही पियो। ठीक है, तुम बिस्तर पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाता हूँ। अरे वाह फूल। पागल कहीं की, इतनी जोर से चिल्ला रही है। अरे दीदी ने कहा था मैं नहीं चिल्लाऊंगी।
सुनो सुनो, हमारी हमारी शादी हो चुकी है ना, और हम दोनों पति पत्नी है ना, तो हम वो कर सकते हैं। अरे रुको, मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं माफी मांगती हूँ, छोड़ दो मुझे, मेरे पास सुनो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा रेप मत करना, हे भगवान, कोई बचा लो, ये मेरा रेप बस एक बार, प्लीज प्लीज मुझे। हाँ जीजा जी, पकड़ लिया आपने? अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। सच सच बताओ, तुम्हारी बहन पागल है ना? हाँ है। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा तो था कि वो बहुत मासूम है। अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब था, लेकिन फिर वो मेरा रेप मत करना, मेरा रेप मत करना, प्लीज मेरा रेप मत करना, ये कहते हुए पूरे कमरे में दौड़ क्यों रही थी? वो क्या है ना, वो फिल्में देखती रहती है, फिल्में देख देख कर फिल्मी हो गई है। लेकिन अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ? तन बदन में आग लगी हुई है, मैं इस जोश को कहाँ ले जाऊँ बताओ? अच्छा तो मैं हूँ ना। हाँ तो देर क्यों कर रही हो? क्या हुआ क्या हुआ? मेरा मतलब है कान, खींचो खींचो। तू एक औरत को शांति से जीने नहीं देगा, मुंह दिखाओ इसका। चलो उठ। अरे 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 सर मत मारिए सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, ये पगली छोड़ दे। सर दीदी को भी मारिए सर। पर क्यों? सर दीदी भी मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रही थी। क्या बोली? ए चुप कर पागल कहीं की। सर इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बहन है सर, थोड़ी सी पागल है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? इसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया है। इसने कहा मैंने भी कोशिश की, वो भी सच मान लेंगे। सर इन दोनों की अभी भी शादी हुई है, कल रात इनकी सुहागरात थी, इस पगली को कुछ समझ ही नहीं आया और उसने ये सब कर दिया। ए बताओ क्या ये दोनों शादीशुदा है? आपको ये सजावट नहीं नजर आ रही? कल ही तो इनकी शादी हुई है जया, आखिर बात क्या है? देखो नमा, इसने मेरे पति पर केस कर दिया है। सर गलती हो गई, ये पागल है, मासूम समझकर छोड़ दीजिए। तो फिर इसकी शादी क्यों करवाई? बेचारा पति मार मार के हालत बिगाड़ दी इसकी, ख्याल रखिएगा इसका। और इसे भी थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सिंकाई कर देना, ठीक हो जाएंगी। भाई बहुत ज्यादा सूजा दिया यार। यार बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। लाठी से मारा हुआ नहीं लगता है? मुझको तो ऐसा लगता है कि देसी बांस का इस्तेमाल किया उन्होंने, पकौड़े की तरह लाल हो गया। हे भगवान, अरे बाप रे, बैठ जा। नहीं नहीं बैठ नहीं पाएगा, पता नहीं तेरी किस्मत बुरी है या फिर मेरी। पहली शादी के समय आगे का दिखाया, दूसरी शादी के समय पीछे का दिखा दिया, अब सहन नहीं हो सकता। ये दवा रख ले दिन में 3 बार और 2 बार बर्फ के टुकड़े पिछवाड़े पे रखूं? पैग में मिला के पी जाना है, नहीं तो रात भर सो नहीं पाएगा बेटा। हाँ ठीक है, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है। अरे अब जा भाई। अरे इसे क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों चल रहा है? मैं आपको बताती हूँ, पर आपका सामान कहाँ है? बस स्टैंड के पास, वो सुरमा वाले की दुकान पर रखा है। और ये गधा, रुको रुको, पहले की तरह कुछ मत बक देना। क्यों क्या हुआ? मुझे पक्का तो पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है, पर जो भी कहते हैं सच हो जाता है। एक हफ्ते पहले कहा था कि बारिश होने वाली है और बारिश हुई, और एक आदमी को कहा कि वो मरने वाला है, अगले दिन ही उसकी मौत हो गई। मुझे भी संभल के चलने को कहा, मैंने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अचानक फिसल कर गिर गई। आपको मैं इसीलिए बता रही हूँ, आपसे चिढ़कर कुछ अनाप शनाप बक दिया ना, पता नहीं क्या होगा, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलना। भाड़ में गया वो? अरे बेटा सुन, सामान सुरमा वाले की दुकान पर है, लेकर आ। हाँ जी सासुमा। बेटा तू आज मुझसे नहीं बच सकेगा, तररम पम तररम पम तररम पम तररम पम, मैं तेरे कपड़े उतरवा ही लूंगा, तररम पम तररम पम तररम पम तररम पम। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कपड़े चाहिए। इसमें साड़ियां हैं,
कल घर पे आना, अपने पुराने कपड़े दे दूंगा। तुझे मैं पागल लगता हूँ जो मैं साड़ी पहनूंगा? मुझे तो तेरे कपड़े चाहिए। ये तुझे दे दिए तो मैं क्या पहन के जाऊंगा? साड़ी पहनो। दोपहर हो रही है, मुझे बहुत दूर जाना है। अपने कपड़े दे दो। अबे हट ना, हट सामने से। जब मैं कुछ मांगा करूं तो चुपचाप दे दिया कर, वरना मैं ना मारूंगा। सत्यानाश। अपने कपड़े उसे देने की बजाय उसे मारकर वहां से भाग क्यों नहीं गए तुम? अगर किसी ने तुम्हें साड़ी में देख लिया होता तो क्या इज्जत रह जाती? पति पति मुझे भी खिलाओ ना। आ। जब मैंने उसे देखा तो मुझे इसकी याद आ गई, इसीलिए उसे कुछ बोल नहीं पाया। इसका ख्याल तो हम रखते हैं, पर बेचारा उसके साथ कौन है? अगर ऐसे रहे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? लो खाओ। अरे ओ महाराज, इधर आओ, इधर आओ। कहां से आया है तू? कैलाश। अच्छा, ऐसा क्या? तेरे बाप का नाम क्या है? परमेश्वर। ओ, तो तुम उसके बेटे हो क्या? पिताजी ठीक तो है ना? आदिदेव हैं वो, पूरी दुनिया चलाते हैं, सृजन करता है वो और सर्वनाशक भी। ये सारी दुनिया उन्हीं की देखरेख में चलती है, यहाँ तक कि मैं और बुढ़िया तुम भी। तो ऐसा है, लेकिन ये तो बता, वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक। ओ, अच्छा अच्छा, जाकर उन्हें मेरा नमस्कार कहना। पापी। ओम शिव शंकर शंभुवाय नमः। ओम शिव शंकर शंभुवाय नमः। ओम शिव शंकर। किससे मिलना है आपको? माते पार्वती माते, नमो नमः, नमो नमः। मैं कोई पार्वती नहीं हूँ, मैं वाणी हूँ। जब हरी और हरा एक हो सकते हैं तो क्या श्री और गौरी एक नहीं हो सकती? वो दोनों कौन है? स्वामी मंदिर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन स्वामी? साक्षात भगवान शिव के शिष्य श्री 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 अनारकली बाबा। इंसान उनके चमत्कारों को कभी समझ ही नहीं सकता। प्रभु आप सकल हो, सजग हो, संहार करता और प्रभु दीन दयाल, आपके चमत्कार। रुके 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 बाबा, रुके रुके, रुक जाइए। आप कौन है बाबा? अरे बाप रे, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ आपका भक्त, आपके चरणों का पुजारी भृंगी। भृंगी मतलब? शिवम शिवम शिवम। स्वामी इसे पकड़िए। देवी पार्वती, आप बहुत पवित्र औरत हैं। मेरे भगवान की सेवा कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। अलग निरंजन, हर हर महादेव। मैंने कहा था ना, तू जा और स्वामी को देख क्या चाहिए, मैं जाके खाना पकाती हूँ। हाँ ठीक है। स्वामी, अनजाने में बहुत सी गलतियां कर दी, हमें माफ कर दीजिए स्वामी। हमें माफ कर दीजिए। स्वामी और घी लीजिए। दीजिए, बस कीजिए। साड़ी ले लो साड़ी, अनुष्का
साड़ी, लियाना की साड़ी, करीना की साड़ी। ओ साड़ी वाले, इधर आना। हाँ। बाहुबली की साड़ी है क्या? बाहुबली क्या, मेरे पास तो साहो की साड़ियाँ भी हैं। साहो में साड़ी किसने पहनी थी? इसी साड़ी को फाड़ कर उन्होंने पहना था। और फिर आप तो उनसे भी ज्यादा सुंदर दिखती हो। सच में? अच्छा ठीक है, दिखाओ। हाँ, चलिए। माँ आकर साड़ियाँ देखो। अरे मैं कुछ काम कर रही हूँ, तू देख ले, जो पसंद आए खरीद ले। हाँ ठीक है। तो क्या कह रहे थे तुम? क्या कहा मैंने? वही साहू के बारे में। ओ वो श्रद्धा बहन, आप तो उससे भी सुंदर दिखती हो। अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, कमाल है ना, एक बार देखो तो। ये देखिए, ये रंग आप पे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ और दिखाओ। ये जरूर पसंद आएगी, साहो में श्रद्धा ने यही पहनी। हाँ? आप भी तो बिल्कुल वैसी लगती हो। वाह वाह, सच में बहुत खूबसूरत लग रही है आप पे। कितने की है? आपके लिए सिर्फ 400 रुपए। माँ 400 बोल रहे हैं। क्या 400? अरे बोल 250 में दे देगा। दोगे क्या? आपके लिए ठीक है, दे दूंगा। किसी हीरोइन से कम नहीं हो आप। हाँ? ले लीजिए इसे। अपनी माँ को दिखा दीजिए। ये लो। माँ, माँ, यहाँ जल्दी आओ। माँ। हाँ? हे भगवान। अरे उठ उठ, कमीने मेरी बच्ची के साथ जबरदस्ती कर रहा है। हे भगवान, अरे कोई तो अरे बचाओ। अरे माँ ऐसा नहीं है, बच्ची को बचाओ, उठ। इसने कुछ नहीं किया, मुंह करो और इसे उठाओ। कुछ नहीं किया तो ऐसे लेटा क्यों है? अरे ये बेहोश हो गया, छींकते वक्त मेरा सिर इसके सिर से टकराया तो ये बेहोश होकर गिर गया। बस इतनी सी बात है? हम इसे ऐसे ही पकड़ के रख, हिलने मत देना। बताती हूँ इसे, गधा कहीं का, इसकी तो हड्डियाँ तोड़वा दूंगी। अरे भगवान मैं तो लुट गई। अरे भैया, अरे चाचा, सब लोग यहाँ जल्दी आ जाओ, साड़ी बेचने वाले ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आ जाओ आ जाओ, खुद देख लो। अरे कौन है? निकालो बाहर। चल। अरे ले। भगवान, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मैं क्या करूं? ऐसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। देखो देखो सभी लोग, देखो इसने क्या किया हमारे साथ। तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई बेटी। इसने तो कुछ किया ही नहीं। चुप कर मनहूस कही कि इससे 1000-2000 ऐंठ लेते हैं और साड़ियां भी रख लेते हैं, फिर ये भाड़ में जाए। तब तक तो अपना मुंह बंद रख। भगवान, ऐसा लगता है इसने शराब पी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की के साथ जबरदस्ती करने की? सत्यानाश हो तेरा, ये जो तूने किया है उसकी तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हो? क्या किया मैंने? अच्छा क्या किया तूने? जरा देखो इसे, ऐसा भोला बनता है जैसे कुछ किया ही नहीं है इसने। निकालो 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 पैसे। पैसे किस बात के, मेरी गलती क्या है? गलती क्या है? तुझे क्या लगता है सारे लोग खड़े हैं वो अंधे हैं? अरे तू मुंह क्या ताक रही है, जा इसे उठाकर अंदर ले जा, जा चल जा। अरे नहीं, मेरी साड़ियाँ वापस करो, इसको यही काट के फेंक दो। अरे हटो भैया हटो। अरे क्या हो गया? अरे देखो तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मैंने कुछ नहीं किया। तू यहीं पे रुक, अगर मैंने भी तुझे रुद्र भाई के हाथों गोली से नहीं उड़वाया तो मेरा नाम भी रमैया नहीं कह देता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, भगवान पागल आदमी। भैया ऐसे लोगों की वजह से औरत की इज्जत खतरे में है। ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है, इनको मार देना ही सही है, समाज के लिए कलंक है ये। माँ बाप का नाम खराब कर रहा है। आथू, तेरे जैसे लोगों की वजह से ही गांव की बदनामी होती है।
अगर तुझे यही सब करना है तो कहीं और जाके मर, यहाँ क्यों आया है तू? तुझे तो यहीं गाड़ देना चाहिए, लेकिन मैं तेरी पत्नी के निवाले का कर्जदार हूँ, इसलिए तुझे एक मौका दे रहा हूँ। एक महीने के अंदर इसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी शादी करवा दे, वो भी अपने पैसे से, नहीं तो तुझे ही इससे शादी करनी पड़ेगी। समझा या नहीं? शादी की बात करना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी भैया, इससे 1000-2000 दिलवा दो। क्या बोल रही हो? ऐसे तो हर दूसरा आदमी जेब में 1000 रुपए लेके आएगा और इसे छेड़ के चला जाएगा, तुम्हें मंजूर है ना? नहीं माँ, मेरी इसी से शादी करा दो। मेरी बात तो सुनो, मेरी पहले से ही 2 शादियां हो चुकी हैं। अरे कितना बड़ा पापी है रे तू, घर में 2-2 पत्नियां हैं फिर भी बाहर आके मुंह मारता है, धिक्कार है तुझ पे। भले ही तुम्हारी कितनी भी शादी हो, मेरा फैसला वही रहेगा। ए, एक महीने तक नजर रखेंगे तुझ पे, अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो तेरी मौत सनसनी बन जाएगी, सिर्फ इस गाँव में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। ए, जाने दो इसे। जा, ये नहीं दूंगी। अरे जाना, जा, चल भाग। चल काम खाली कर रहे। अबे सुनाई नहीं दे रहा क्या? जल्दी निकल, चल भाग यहाँ से। घर पे 2-2 पत्नियाँ होने के बाद भी दूसरी औरत को देखता है, इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना चाहिए। कुत्तों को क्या, भेड़ियों को भी बुला देना चाहिए। गाँव छोड़ कर चला जा, चल भाग यहाँ से, दोबारा दिखना मत। आसपास नजर आया ना तो भैया मैं तेरे को बुला लूंगा। मुझे माफ कर देना मेरी उषा, अब मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसीलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। अगर तुम मुझसे नफरत करने लगोगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मुझे शांति से मरने देना। अरे क्या हुआ बाबू, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? पहले जो पूछा उसका जवाब दो, अच्छा हूँ या बुरा हूँ? हे भगवान, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। क्या मैं किसी को तकलीफ पहुँचा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो फिर वो लोग मेरे बारे में? ए, तू चुप करना। बताओ तो क्या हुआ? उन लोगों ने अरे तुम इतनी छोटी सी बात के लिए इतना रो रहे हो? देखो तुम गांव गांव घूमते रहते हो तो क्या उसके लिए एक अच्छा सा लड़का नहीं ढूंढ सकते? अब रोना बंद करो बाबू, सब ठीक हो जाएगा। अरे बहन, तुझे पता है उसने क्या किया? किसने? अरे और कौन, वही राम नरेश। साड़ी दिखाने के लिए लड़की के घर में घुसा और उसे छेड़ दिया। सच में? अरे मैं सही समय पर पहुंच गया था, वरना लोग उसे गलती के लिए मार ही डालते। वो तो मैंने लोगों को मना लिया, वरना आज हमारे गांव में एक और राम नाम सत होता। सच में? अरे बाप रे, मेरा पति आ गया, तुम निकलो यहाँ से। अरे राम नरेश सुनो। क्या रे, जो सुना सच है क्या? क्या सुना? अरे भाई, जो साड़ी बेचते वक्त हुआ था। मुझे तो नहीं लगता कुछ किया, इसलिए तो शर्मा के भाग गया। ये देखिए माँ जी, मॉडल्स की साड़ियाँ हैं। हाँ ये देखो, आप पर खूब जचेगी, सीरियल में यही साड़ियाँ पहनती हैं, आपने देखी है कभी? अरे साड़ी की बात छोड़ बेटा, मैंने सुना है तूने लड़की के साथ बदतमीजी की, ये सच है? मेरी बात का बुरा मत मानना, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अब मेरे बेटे को ही देखो, 1 साल हो गए शादी के, पर उसकी पत्नी है कि उसे उसके पास नहीं आने देती। तू जरा मेरे बेटे को समझा। आने वाली 12 तारीख को रेप कैसे करते, इसका कॉलेज खोल रहा हूँ, भेज देना उसे वहाँ। पर तेरी फीस क्या होगी? मैं मर जाऊंगा उषा। खुद को संभालो, कैसी बातें कर रहे हो? मैं उसके लिए वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। क्यों, क्यों नहीं ढूंढ पा रहे? पूरे देश को इस रेप केस के बारे में पता चल गया है, जहाँ भी जाता हूँ सब लोग इसी के बारे में बात करते हैं, लड़कियाँ तो उससे डरने भी लगी है। उसका वर कैसे ढूंढूं? और ऊपर से रुद्रा की दी हुई तारीख भी पास आ रही है। मतलब
तुमने सच में उसका रेप किया था? अरे ऐसा मैंने कब कहा? अगर तुम उसे घर पर लेकर आए ना तो मैं उसे भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। हाँ बदकिस्मत ये मेरी, मैंने कब कहा उससे शादी करूंगा? अरे मर जाऊंगा पर उससे शादी नहीं करूंगा। चाहे तुम उसे मारो या मैं उसे मार दूं, लेकिन वो किसी भी हालत में इस घर में नहीं आएगी बस। या फिर एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए हम कहीं और चले जाते हैं। चल। अरे अरे अरे, हे भगवान, भागने की कोशिश कर रहा है, चल। नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा। ए, जो टाइम दिया था वो पूरा हो गया है, कल तुझे उस लड़की से शादी करनी है, अब साथ में चलता है या उड़ा दू खोपड़ी। भाभी जल्दी आइए यहाँ। देखिए भैया, मैं आपके हाथ छोड़ दूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो पागल है, इसे छोड़ दीजिए। ए पागल, बैठ जा ना, बैठ। अरे बैठ, अरे मेरी माँ, बैठ बैठ, इसे मत मारना। गुंडा कहीं का? अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? भैया के ऊपर बंदूक क्यों तानी है? नीचे करो। देखो मेरे भैया ना किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं कर सकते, चलो जाए यहाँ से। बहन ये रुद्रा का आदेश है, अगर ये नहीं चला ना तो रुद्रा भाई ने कहा इसकी लाश लेकर आना, इसको समझा दो कि चुपचाप साथ चले। मैं नहीं चलूंगा। नहीं, अगर तू नहीं चला ना तो सच में मार दूंगा तुझको मैं। मारो, मार दो। नहीं नहीं, अरे चुप हो जाओ। भैया भैया, मैंने खुद आपके पास लेकर आऊंगी, आप शांत हो जाइए, मान जाओ ना। अब वो कह रही है ना बंदूक नीचे करो। बाबू चलो चलते हैं। एक बार मार, मैं नहीं जाऊंगा। एक बार मेरी बात सुनो, जिंदगी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, हम तीन लोग तो हैं, एक और बढ़ जाएगा तो क्या। चलो मार दो भाई, मुझे मार दो। चलो निचला निचला, ये कोई था वो तेरी सासू माँ, अब अपनी उंगली काट के उनको तिलक लगा दे। हाँ पकड़ो पकड़ो। अभी नहीं उठाओ, दौड़ते हुए झोपड़ी के अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर दो। अरे ये क्या कह रहे हैं, अगर इन्होंने इनको उठा दिया तो ये भी शादी कर लेंगी। यहाँ पंचायती मत करो, ये हमारा रीति रिवाज है, इसे ताकत दिखानी पड़ेगी। अरे सोच कह रहे हो बुर्रा, सास को उठाओ और जो कहे वो करो। अब किसी और का सहारा मत लेना, वरना सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा तुम्हें। ले जाओ ले जाओ। अरे 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 अरे, जाओ जाओ, भागो भागो भागो। अरे क्या दिया, चल चल, मेरी कमर टूट गई। बस छोड़ दे। अरे आप लोग पागल हो गए क्या, क्या कर रहे हैं? कैसे उठाना है? उठा ले उठा ले। अरे अरे मारो मत, अरे रुक जाओ, अरे बाबू चलते रहो। जान बच गई। कर रहे हो? पहले दरवाजे तो बंद करो, जाओ जाओ। हे भगवान मेरी कमर तो गई। सासू को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अपनी बेटी दूंगा। सिर्फ बेटी काफी नहीं है, तो और क्या चाहिए? हमें मुर्गी चाहिए, ठीक है, जायदाद भी चाहिए, ठीक है, सोना भी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो मांग लो। कैसा मर्द है? भगवान मेरी कमर तो गई, अब मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। बुढ़िया तो मिल गई, चलो अब कान छेद दो इसके। कान छेदने? वो क्यों? तुमने सोना मांगा था ना, तो सोने की बाली से कान छेदे जाएंगे, यही तो रिवाज है यहाँ का। ये सब इन्होंने कहा था, मैंने नहीं। इन्होंने तुम्हारे लिए तो कहा था, ये सही नहीं है। ऐसा मत बोलो वरना वन देवता नाराज हो जाएंगे, कान छेदवाओगे तभी तो सोना मिलेगा। मुझे सोना नहीं चाहिए। बैठो बैठो, अरे बैठने दो। अरे बेटा क्या हुआ? कन्या की तरफ देखो, इसे हार पहनाओ।
जो कहूंगा उसे दोहरा देना। पंचभूतों की कसम खाता हूँ। मैं पांचों तत्वों की कसम खाता हूँ। एक कसम है, इतना साफ बोलो कि सबके कानों तक पहुँचे। ठीक है, मैं पांचों तत्वों की कसम खाता हूँ। और जोर से। पांचों तत्वों की कसम खाता हूँ। बन देवी को साक्षी मान के। बन देवी को साक्षी मान के। इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी। इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी। इसकी साज सज्जा की जिम्मेदारी। साज सज्जा की जिम्मेदारी। इसे संतान देने की जिम्मेदारी। इसे संतान देने की जिम्मेदारी मेरी है। आप यहाँ के पंत पुरोहित का मजाक उड़ा रहे हो तुम? नहीं मेरी है। मेरी नहीं, तुम्हारी है। ये लो, इसे कन्या को पहना दो। पहनाओ। आज से ये दोनों वन देवी के आशीर्वाद से पति पत्नी हैं। लटकारे मारो। बन्नी खातिर बन्ने का दिल धक धक करे, बन्नी खातिर बन्ने का दिल धक धक करे, बन्नी के नैना बन्ने को, बन्नी के नैना बन्ने को तीर से घायल करे। उतारो जी लाओ लाओ बनने को, लाओ लाओ बन्नी को टीका लगाओ जी लाओ लाओ बन्नी को, कहे ताके तू छुप छुप के ऐसे, आज बच के तू जाएगा कैसे, हंसी पिंजरे में तोते की जान जैसे। आओ जी नजर उतारो, आओ जी नजर उतारो, आओ जी नजर उतारो, आओ जी आओ जी, लाओ लाओ बनने की नजर उतारो जी लाओ लाओ बनने को, लाओ लाओ बनने को टीका लगाओ जी लाओ लाओ बनने को। हाथ में लग गया पटेर जैसे, तू काला और वो गोरी, तेरी तो जैसे किस्मत ही खुल गई, जा लग जा गले से क्या देरी, जाएगा जाएगा अब कैसे दूर तू, लौट के आएगा एक दिन जरूर तू, मेरा ये रूप रंग तुझ पे निसार है, तू ही प्यार मेरा तू ही करार, अब होना ना मुझसे जुदा तू ना। आओ जी नजर उतारो, आओ जी नजर उतारो, आओ जी नजर उतारो, आओ जी आओ जी। दुआएं और बधाई के हम तोहफे लाए हैं, के हम तोहफे लाए हैं, अंबर से खुशियां लेकर के चंदा मामा आए हैं, चंदा मामा आए हैं, चंदा मामा के संग उनका प्यार चांदनी आई है, प्यार चांदनी आई है, शादी के मौके पर आके गीत सुमंगल गाई है, गीत सुमंगल गाई है, मंगल अवसर पर ही बसते ढोल झांझ शहनाई है, ढोल झांझ शहनाई है, मंगल धुन की गूंज सुनी तो झूमी ये पुरवाई है, झूमी ये पुरवाई है, पति के सदा ही उसका पहला प्यार लगाई है, पहला प्यार लगाई है, पत्नी घर रूठी तो समझो कहीं नहीं सुनवाई है। आओ जी नजर उतारो, आओ जी नजर उतारो, आओ जी नजर उतारो, आओ जी आओ जी। पुत्र अभी भी वक्त है, भाग जाओ। हे नीचे बैठ।
अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा मतलब है सरेंडर कर दो। छोड़ो भैया नहीं। सर, 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 मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ सर, वो मेरी बीवी है। फिर वो जो दुल्हन बनी है वो भी मेरी बीवी है सर। फिर वो तीसरी कौन है? क्या तीन पत्नियां? हे भगवान, मुझसे तो एक नहीं संभलती यार। मर जाइए सर, मर जाइए। तेरा मतलब सर, सर, एक्टिंग झूठ मूठ में मुझसे एक्टिंग करवाएगा ये? ए, मर जाना यार। ए, अबे मरने की एक्टिंग कर लेना यार। ये पागल पुलिस वाले मेरे गोली चलाने से पहले ही मर गए। अब मैं तुझे सच में मार दूंगा रुद्रा। हाँ बोलो, क्या है? आज भाग जा, तुझे बाद में पकड़ लूंगा। ए साथियों, चलो निकल चलते हैं। हाँ, चलो भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ए, सब चलो रे। ये लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये हमारी सुहागरात की गवाही देने वाली हैं, इसलिए यहाँ बैठी हैं। यानी सब इनके सामने? और घबराहट में कुछ नहीं हुआ तो? अगर मर्द नहीं हो और फिर भी शादी की तो तुम्हारा सिर मुंडवाएंगी, गधे पर बिठाएंगी, फिर ये गांव की सभी औरतों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करेंगी, और इस शादी में जितना भी खर्चा हुआ है ना, उतने पैसे लेकर तुम्हें भगा देंगी। अरे पर इनके सामने कैसे? इस मटकी में जो है ना, उसके तीन घूंट पीने के बाद तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे, फिर चाहे दुनिया सामने क्यों ना हो। क्या है ये? घर का बना महुआ का पानी। मुझे नहीं चाहिए। ये वनदेवी का प्रसाद है, नहीं पियोगे तो पाप लगेगा। हाँ तो भी नहीं चाहिए। अरे साथियों, लगता है उनका काम हो गया। क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता क्या? दोनों की शादी हो गई, सुहाग रात हो गई, अब दोनों एक हो गए। ये इतना चिल्ला क्यों रही हैं? वो घोषणा कर रहे हैं कि तुमने अपनी मर्दानगी साबित कर दी। लगता उन्होंने फिर से काम कर लिया। हे भगवान, ये आदमी कब रुकेगा यार? ये है हमारा घर, आओ तुम यहाँ के बैठो। मुझे भूख लगी है, मैं खा कर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम बैठो, मैं अभी आई मैं। हाँ खा के आती हूँ। आपका घर तो बहुत ही बड़ा है, हमारा कमरा कहाँ है? क्या कहा, यहाँ कोई अलग से कमरा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही कमरा है, हम सबको उसी में रहना है। और ये रहे बर्तन, तुम अपना खाना बनाओगी और मैं अपना बनाऊंगी। पति 3 दिन तुम्हारे साथ रहेगा और 3 दिन मेरे साथ।
आप उनसे बड़ी है तो मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन आप तो जानती है ना, नई नई शादी हुई है, 3 दिन इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, 1 दिन छोड़कर 1 दिन, ऐसे ज्यादा आसानी होगी। ये क्या बहन, आज तुम क्यों तैयार हुई? आज मेरी बारी है। अरे दीदी, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन अंदर जाएगा। जाइए, आप ही जाइए। उषा, मुझे छुओ मत, तुम लगता है जैसे मार रहे हो। उषा, तुम इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? ये अजीब नहीं बल्कि सच्चाई है, हमारे बीच बात करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, नई पत्नी मिल गई है, जाओ उसके पास जाओ। ऐसी बातें मत करो उषा, मैंने ये शादी क्या अपनी मर्जी से की है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, तुम्ही ने कहा था जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसीलिए मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी। एक बात बताओ, तुम्हें हमारी सुहागरात याद है? हाँ याद है मुझे। तुम मेरे पास कितनी बार आए थे? 2 बार। जिसके साथ अपनी मर्जी से शादी की उसके साथ 2 बार, और जिसे शादी करने का मन भी नहीं था उसके साथ 3 बार, है ना? अच्छा पता है, उस दिन उन्होंने मुझे महुआ का पानी पिला दिया था उसके नशे में। अपनी बकवास, तुम धोखेबाज हो, मुझे धोखा दिया है, तुम्हारा मन भर गया है अब मुझसे, इसीलिए उससे शादी कर ली। जानू, ये लो टिपिन। अरे ये कैसे बाल बना रखे हैं, और ये कपड़े, व्यापार करते हो अच्छा दिखना चाहिए, तभी तो लोग तुमसे बात करेंगे। रुको, हाँ एक बार देखो कितने सुंदर लग रहे हो। इतनी जल्दी में क्यों हो, अपना टिफिन तो लेते चल। दीदी आज मेरी बारी थी, मैंने टिफिन दे दिया। लाओ वो भी दे दो, दोनों खा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है। अरे उषा। क्या बना रही हो दीदी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन करी दीदी, मुझे भी थोड़ा दोगी क्या? पूछ क्यों रही हो बहन, ले लो ना, तुम और वो पागल लड़की एक ही जैसी तो हो, दोनों ही मेरी बहन हो। आपको देखकर लगता है बहुत गुस्से वाली है, पर अंदर से बहुत अच्छी हैं आप। मन तो करता है सर फोड़ दो, आई बड़ी मेरी तुलना अपनी पागल बहन से कर रही है। सुधा ने खा लिया क्या? नहीं नहीं, रानी साहिबा बहुत व्यस्त हैं, सुंदरी के घर पर टीवी देख रही हैं, कोई नई फिल्म आई है वही देखने गई है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम और सुधा ये मत खाना, कुछ और बना के खा लेना। लेकिन क्या हुआ बाबू? इसमें नमक बहुत ज्यादा है। हाँ? दोबारा रसोई में आई तो पैर तोड़ दूंगी तेरे, खाने के साथ साथ तुझको भी नहीं पका दिया तो मेरा नाम भी जयाप्रदा नहीं। ये लीजिए स्वामी। हर हर महादेव शंभो, ये कहां से? शंकरा शंभू शंकरा, हर हर महादेव। जो आज्ञा भगवान, सबको मेरा आशीर्वाद। तू यहाँ क्यों आया भृंगी? पास आके बताता हूँ। स्वामी आप तो खुद ही सर्वज्ञ हैं, तो भला मैं क्या बताऊँ? फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। भगवान ने मेरे हृदय में 5 मटके रखे और मुझे यहाँ भेज दिया है। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि मैं उन मटकों को फोड़ूं कहाँ? इतनी जल्दी 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? चिरकुट, 5,000 का इंतजाम नहीं किया तो मैं मटके यहीं फोड़ दूंगा, समझ रहा है ना? उसके बाद तेरी पत्नी और तेरी सास तेरे साथ, समझ रहा है ना? हाँ, तो स्वामी आदेश दे, उनसे कह दो मटके मिल गए। अच्छा, भगवान शिव से जाकर कहो वो मटके मेरे पास सुरक्षित हैं।
अब उन्हें फोड़ने की जरूरत। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, मैं ये बात भगवान तक पहुँचा दूंगा। ओम नमः शिवाय। रुको स्वामी, क्या तुम अभी कैलाश जा रहे हो? हाँ स्वामी। उसी रास्ते में बिहार पड़ेगा, वहाँ मेरा एक भक्त मेरी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है, उससे मिलकर ये पैसे दे देना। हाँ जरूर स्वामी, मैं जरूर पहुँचा दूंगा उस तक। स्वामी अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्यों बे, 5,000 है ना इसमें, वजन कम लग रहा है। इसमें ज्यादा ही है, अब चुपचाप निकल ले यहाँ से। जैसा आपका आदेश स्वामी, शाम को कैलाश में मिलते हैं। कल्याण, सबका कल्याण, सबकी मनोकामना। एक बात बताओ, इसकी सुहागरात क्यों नहीं हो पाई थी? उसके बारे में तो मत ही पूछ। उस रात को इसने तमाशा खड़ा कर दिया और मेरे पति को काटकर भाग गई। सुबह पुलिस को लेकर आ गई, रेप का इल्जाम लगाकर खूब पिटवाया। ऐसी पागल है ये। तुम पागल हो, तुम किसी को कुछ भी करने दोगी क्या? देखा तुमने पगली, वो रेप नहीं होता। क्या दीदी, आपने बताया नहीं? अगर मैं इसे बताती तो ये समझती क्या? अगर ये हमारी बात नहीं समझती तो इसे दिखा देते हैं। क्या हुआ तुम्हें? हाँ अभी मेरा मूड नहीं है। सब जानती हूँ, मेरी बारी होती है तो मूड नहीं होता, दीदी की बारी होती है तो आपसे रुका ही नहीं जाता। अरे मैंने कहा कुछ किया? अच्छा मुझे सब पता है, मुझे आप दोनों की आवाजें सुनाई देती हैं। हे भगवान, ठीक है आओ। कौन है, कौन है वहाँ? कोई नहीं है, आइए ना। रात में जो हुआ वो देखा ना? ऐसा मुंह क्यों बना रही है, देखा कि नहीं वो बता। सब समझ में आया ना? पर मुझे ये समझ नहीं आया कि शुरू करने से पहले आप दोनों का चुमना जरूरी था क्या? हाँ बहुत जरूरी है, अरे वहीं से तो शुरुआत होती है पगली। फिर वो क्या था जो दीवार पे किया? वो भी जरूरी है। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे डरिए नहीं, मैं काटूंगी भी नहीं और ना ही पुलिस के पास आऊंगी। मुझे ना सब पता चल गया है, मैंने कल सब कुछ देख लिया। क्या कहा, कब और क्या देखा तुमने? ये दूध पी लीजिए, आप जल्दी पियेंगे तो हम जल्दी शुरू करेंगे, बहुत मजा आएगा। दीदी ने बताया। उसने बताया? क्या ये अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा, दीदी ने बताया, आप जल्दी कीजिए ना। अरे श्रीदेवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ये मुझे काट लेगी। दूध पी लीजिए। क्या वो उन्हें करने देगी बहन? क्यों नहीं करने देगी, और अगर उसे अच्छा लग गया ना तब तो हम दोनों को बाहर निकाल दिया करेगी, रोज अंदर जाएगी। दीदी हा? दीदी सुनो ना, दरवाजा खोलो। इतनी जल्दी हो भी गया क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है, आप भी मेरे साथ चलिए ना। डर किस बात का? अब चलिए मेरे साथ, चलिए। हे भगवान, ये सब होते वक्त वो भी उनके साथ रहेगी क्या? आइए ना। तीनों साड़ी ले लो। राम नरेश, रुको रुको। अच्छा बोलिए। मैंने सुना रात में तुमने बहुत मेहनत कर दी। है? बड़े दिल फेंक रसिया हो भाई। जरा ये तो बताओ कि तुम तीन तीन बीवियों को कैसे अकेले संभाल लेते हो? अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो?
कल रात में तो खूब मजे किए होंगे ना? एक ही रात में एक ही बिस्तर पे तीनों पत्नियों के साथ बहुत मजा आया होगा ना? ए चुप रहना यार, रात को मेरे घर में क्या हुआ इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे अकेले ही नहीं पूरे गांव को पता है इसके बारे में, जाके खुद देख लो। उसके बाद उसने डांटों से मेरी साड़ी की पल्लू को ऐसे पकड़ लिया और मेरे चारों तरफ घूमने लगा और फिर उसके बाद मेरी साड़ी खुल गई। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे तुम इतना परेशान क्यों हो, रुक जाओ वो खुद बताएगी। हैं? और उसके बाद ना वो मेरे बहुत पास आ गए और अपने दोनों हाथों से ऐसे मुझे पकड़ लिया और कस के गले लगा लिया। और उसके बाद ना हमारे चेहरे आमने सामने। सुधा यहाँ आओ। हाय मेरा पति आ गया, मेरा पति आ गया, पति आ गया। इसे क्या कह रही थी? हाँ पति जी, मैंने इन्हें सब बता दिया, हम तीनों ने रात में जो जो किया था मैंने इन्हें सब बता दिया। ये भी किसी को बताते हैं क्या? ये छुपा कर रखते हैं। छुपा के रखते हैं? किसी को नहीं बताते? ठीक है पति जी, पति जी पैसे दो ना। ये लो। अरे अरे वाह बहुत सारे पैसे। सीधे घर जाना पागल कहीं की। ला 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 ला। सुनो मुझे वो देना। ये वाला? मुझे 10 चाहिए। एक चार पांच, अब तुम कर दो ना। अरे वाह 10। अब पैसे दो। यहाँ है निकाल लो। यहाँ नहीं अंदर आओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, चलो। हाँ सच में बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास? बहुत सारे, चलो चलो। बदतमीजी का ये मुद्दा, उसके बाद औरतों का उसे मारने का मुद्दा, एक ही घंटे के अंदर सबको पता चल गया। फिर शर्मिंदा होकर उस गधे ने आत्महत्या कर ली। फिर हमारे राम नरेश ने धंधे में बचाए हुए अपने 50,000 रूपए उसकी पत्नी को दे दिए जो गांव छोड़कर जा रही थी। जी हाँ 50,000, यहाँ कोई 50 रूपए किसी को नहीं देता, पर इस महापुरुष ने 50,000 रूपए उसे दान में दे दिए। महात्मा थे ये। अरे बेटी, अरे कोई देखो मेरी जया को क्या हो गया। अरे ये तो बेहोश हो गई। ए, एक और लाश के लिए सामान इकट्ठा करो, इस बार औरत है। ए, मारूंगी, मेरी दीदी है। माँ जी मर गई ना? चुप कर वरना मुंह तोड़ दूंगी, ये माँ बनने वाली है। कोई पानी लेकर आओ जरा। शुक्र है। अब तो रोना बंद कर बेटी, तेरा पति अब तेरे बेटे के रूप में जन्म लेगा। हे भगवान, अगर मेरे बच्चे ने अपने बाप के बारे में पूछा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। हे भगवान। जिंदा रहते ट्विस्ट देखना आम बात है, पर मरने के बाद भी कई सारे ट्विस्ट देखना हैरानी वाली बात है। बीवी माँ बनने वाली है और उधर पति स्वर्ग से धार गया, अब किस्मत भी इससे ज्यादा ट्विस्ट क्या दिखा सकती है। इस तरह के कई सारे अजूबे इसकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेंगे। एक दिन हेलो बाबू, बाबा घर पर बेहोश होकर गिर गए हैं। कब? आज सुबह, उनके दिल में अचानक दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर गए। ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। जल्दी। हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहो। सुनो बहन, हम बाबा को अस्पताल लेकर जाएंगे, शाम तक लौट आएंगे। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं सब संभाल लूंगी। अरे जल्दी बैठना, घर का ख्याल रखना बहन। आप चिंता मत कीजिए, तुम चलो ना। हाँ चलो। उषा एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगी? हाँ पूछो ना। क्या तुम्हारी और कोई भी बहन है क्या? क्यों, तीन पत्नियों से मन नहीं भरा, चौथी भी चाहिए क्या? पिछली बार तुम्हारी माँ को देखने गए थे। चुप करो, गाड़ी चलाओ, देर हो रही है। भाई, 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 भाई,
गए। जल्दी चलो ना, चलो चलो। हाँ चलो, मुझे बहुत सारा कुछ खाना है। भाई कितना बुरा लगेगा जब पता चलेगा कि झूठ बोलकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसा क्या? या फिर तुम्हें बुरा लग रहा है कि उसे यहाँ नहीं लाए? मेरी बात सुनो, अगर दोबारा तुमने उसकी बात की ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, समझ गए ना? तूने जो बोला वो गलत हुआ तो मार दूंगा तुझे। अरे गलत क्या होगा, वो बाहर खड़ा हुआ है। मैं बस फिल्म देखूंगी। एक बार बोल दिया ना भैया, उसे फिल्म बहुत पसंद है। छोड़ो ना, जाने दो ना उसे भैया। ये सजा रुद्रा भाई ने दी है, जो गलती की है उसके लिए। तुम बाहर ही बैठो, अंदर वो फिल्म देखेगी, समझी? बस थोड़ा सा देखूंगी मैं, जाने दो ना थोड़ा सा। भाग यहाँ से। गंडा कहीं का, तेरी आंखें निकालूंगी। अब क्या है? इसे कैसे चलाते हैं बताओ ना। राज की बात है, नहीं बताऊंगा। राज की बात है। क्या हुआ? मैं भी ना एक राज की बात जानती हूँ। अगर मैं तुम्हें वो बताऊंगी तो तुम मुझे इसकी राज की बात बताओगे ना? पहले तू अपना राज बता। तुम दिखने में तो सीधे साधे लगते हो लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हो। है? तुम साड़ी को मुंह से उतारते हो ना? मुंह से नहीं, दांतों से। अरे, जब तुम अंदर पिक्चर देख रहे थे ना तो इसने हमें बहुत कुछ बताया कि तुम रात में तीनों पत्नियों के साथ कैसे प्यार करते हो। हा? प्यार से बताया इसने हमें। मैंने बताया तुमसे? कहा था ना बंद बताना। बताया। क्यों बताया? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बिल्कुल पागल आदमी हो। मेरे राज के बदले में ना इन्होंने अपने राज की बात मुझे बताई है। एक और बात, वो कौन सी? बंदूक चलाने के लिए ना वो जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, उसे दबाना होता है। अब मुझे सब पता है। तुम्हें नहीं बताना चाहिए। कुछ नहीं पता, खाना खाओ, मैं सब जानती हूँ। ऐसी बात किसी से नहीं करनी चाहिए, समझ में नहीं आता तुम्हारी। कहा ना तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुपचाप यहाँ खाना खाओ। जी, ये क्या रसोई में क्यों ढोक रही हो? गंदी बात है, सोच समझ कर बात करो मुझसे। दोबारा ऐसा कहा ना तो ये गरम चम्मच मुंह पर लगा दूंगी। हाँ तो ये सब करेगी और मैं चुपचाप बैठ कर सब बर्दाश्त करती रहूंगी। सुन ले, चेतावनी दे रही हूँ, मुझसे उलझने की कोशिश करेगी ना तो काट के टुकड़े कर दूंगी। अरे सुधा, मेरा तौलिया देना। तीन चार पाँच छह सात ला रही हूँ पति जी।
आठ के बाद मेरी बारी, एक दो तीन, ला 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 ला। बाबू देखो ना, ये मुझसे कैसे बात कर रही है। तो क्या तुम फूल बरसा रही थी, तुम भी तो चिल्ला रही थी ना। अरे श्रीदेवी, लड़ाई बाद में करना, पहले तौलिया दो। हाँ तौलिया भी उसी के हाथों से चाहिए ना, मेरे हाथ में तो कीड़े पड़े हैं। अरे मेरे हाथ से क्यों छीन रही है, छोड़ो छोड़ो। मैं तो बस तौलिया छीन रही हूँ, तूने तो मेरा पति ही छीन लिया है, कमीनी। मुझे कमीनी बोल रही हूँ, कमीनी तो तुम हो, समझ गई। बहन मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। ऐसा बहाना करके पिक्चर देखने गई थी ना, तो कमीनी तुम हो। तू बस कुत्ते की तरह चिल्लाती रहे। अच्छा अगर मैं कुत्ता हूँ तो तू भी मेरी बहन है। तूने मुझे मुझे कुत्ता कहा, तेरी तो अभी छोड़ो। दीदी ये ला, इसे मारे। झाड़ू दे मुझे। कैसे लड़ रही है? अरे बंद करो अपनी लड़ाई। इन दोनों की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभु जब से समझ आई है तब से एक ही प्रण किया था कि मैं आपकी ही तरह एक ही पत्नी के साथ जिंदगी बिताऊंगा, पर आपने ये क्या किया, मुझे तीन तीन पत्नियां दे दी। इसे तीन पत्नियां मत कहो, कहो तुम त्रिपत्निव्रता हो। आपको मेरी समस्या समझ में आई ना? आप एक पुजारी हैं, फिर भी मेरी बात समझ गए, और ये भगवान मेरी बात समझ नहीं पा रहे। आप जाइए पुजारी जी, मुझे अपना रोना रोने दीजिए। कर्मों का फल है। इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो भगवान, मैंने आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, फिर आप मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हैं। अभी तक तो उनके बीच छोटे मोटे झगड़े होते थे, अब तो महायुद्ध शुरू हो गया। लग रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सरहद की लड़ाई हो रही है। सारे गांव ने मुझे नंगा देख लिया, इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। मुझे बचाना होगा प्रभु, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मुझे बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। स्वामी स्वामी स्वामी, ये मेरी पत्नी है। बहुत अच्छी है, बन से ही अंधी है। देखने में ठीक ठाक है लेकिन बेचारी अंधी है, बहुत दुख हुआ। इसकी आंखें वापस ला दीजिए। मैं सोनारियाँ फोड़ूंगा। कहाँ तोड़ेगा बे, मेरी सच्चाई खुल गई तो मुझे फोड़ डालेगा बे, क्या करूं? आप क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, इस सुंदर कन्या की आंखों की रोशनी जाने का क्या कारण है? स्वामी पाप मुक्ति का कोई मार्ग? अच्छा ठीक है प्रभु, है जन्म पहले ये एक पुरुष थी, तब एक लड़की को नहाते हुए देखा था जो इस गधे को नहीं करना चाहिए था। नहीं, नहीं। फिर वो लड़की मरकर कौवा बन गई और उसने इसकी आंखें फोड़ दी, और फिर उसने इसे श्राप दे दिया कि ये अंधा पैदा होगा। ये इनका पांचवा जन्म है। इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें 2 महीने तक
सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके ओम अनारकली बाबाय नमः इस मंत्र का 108 जाप करना होगा। अपनी आंखों में नहीं बे, उनकी आंखों में डाल, जल्दी आराम होगा। बाप रे, ए पागल, चल अंदर जा। तुम पागल हो, जब देखो बोलती रहती हो, पागल कहीं की। तुम बताओ ना। तुम्हारे कहने छुड़ाने के लिए मेरे पास काफी पैसे जमा हो गए। ठीक है, ये लो पकड़ो। भाई हमें जल्दी से पालनपुर जाना होगा, थोड़ा अर्जेंट है। भाई इतनी रात को पालनपुर क्यों जाना है? कल दोपहर में एक भक्त आश्रम में अपनी अंधी पत्नी को लेकर आया था। मुझसे जिद करने लगा कि उसकी रोशनी ला दूं। अब अगर सर्दी खांसी बुखार होता तो अपनी समझदारी दिखाता और सब संभाल लेता, कोई दिक्कत नहीं होती। अब कोई हाथ पैर कहे, आँख नाक कहे, तो कहाँ से वापस लाऊंगा मैं? सोच रहा हूँ उसे माफी मांग लूँ कि भाई ये सब मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अपनी बीवी और सासू माँ को याद कर मैं अंदर ही अंदर डर जाता हूँ यार। अब अगर उनके सामने मैं सच बोल देता ना तो फिर से मेरी जिंदगी रास्ते पे आ जाती। अबे हंसना बंद करना, जरा गाड़ी रोक, बहुत जोर से लगी है। अरे बाप रे, शुरुआत में बहुत मजा आ रहा था लेकिन अब जान पे बनाई है, थक गया हूँ लोगों से झूठ बोल बोल के, अब नहीं होता यार। एक बात बता, वो अघोरी कौन है? वो मेरा दोस्त है यार, नाटक मंडली में साथ थे, उसने मेरी कमजोरी पकड़ ली है भाई। बीवी के सामने मुंह खोल दिया ना तो इस पर मेरी सूझ जाएगी। अच्छा ये बता, उस औरत के पति को कैसे संभालेगा? पहले उसे बिठा के समझाऊंगा मैं, अगर मेरी बात नहीं माना ना तो जानता मैं कितना खतरनाक हूँ। कलर टीवी खरीद दूंगा, केबल कनेक्शन इंतजाम करवा दूंगा, उसका हर महीने का बिल मैं ही भर दूंगा भाई। और इसके पैसे लेकर आया हूँ, ये लो। हमें जीवन में कई नाटक करने पड़ते हैं पर ये सच है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, हम स्वयं कुछ भी नहीं करते। सही कहा ना? हाँ स्वामी, बिना शिव के मर्जी के मच्छर भी नहीं काटता और ना ही आपकी कोई जेब काट सकता है। सही कहा? हाँ स्वामी, इसलिए ऐसे चोर पकड़े जाएं तो उन्हें प्यार करो, उन्हें माफ करो। सही कहा? हाँ हाँ स्वामी, तभी तो आप पर भगवान शिव अपनी कृपा बरसाएंगे, आशीर्वाद देंगे। स्वामी स्वामी स्वामी, आप तो सचमुच भगवान है, मेरी पत्नी की आंखें वापस आ गई स्वामी, आप महान है स्वामी। तो उन्हें लेकर क्यों नहीं आए? आंखें आने के बाद जैसे उसने मेरा थोड़ा देखा वो मुझे छोड़कर भाग गई। स्वामी प्रभु इस पर दया कीजिए प्रभु। अरे रे 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 रे, अंडरवियर नहीं पहनिया, ज्यादा मत खींच बुड्ढे। इस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड तुम्हें ही। वो कहने का मतलब है मैं इनके लिए कुछ करूंगा। ऐसे ही रोते रहिए और धीरे से चले जाइए। चलता हूँ स्वामी, नमस्कार बहन जी। आप लोग शुरू हो जाइए। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। पति जी आ गए। पति जी ये बताओ क्या तुम ऐसे कर सकते हो? ये तुम्हारी चॉकलेट। अरे चॉकलेट 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 चॉकलेट। उषा मेरी जेब में देखो क्या रखा है। हाँ? देखो तो। हाँ तुमने खरीदा? अरे ये तो बस चेन है, मेरे पास चॉकलेट है, चॉकलेट लाए हैं, चॉकलेट। जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, हम मेला घूमने चलेंगे। अरे वाह, मेला जाएंगे। पति जी क्या हम वो बड़े वाले झूले में बैठ के झूला जोर जोर से झूलेंगे ना? सर इसे छुपा कर रखो वरना कोई इसे उड़ा कर ले जाएगा। तू तो यही जाएगी।
ना दीदी, देखो झूला कितना बड़ा है, आओ ना झूला झूलते हैं। डरो मत, मैं हूँ दीदी। मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरो मत, मैं गिर जाऊंगी। डरो मत, थोड़ी देर शांति से बैठो, बहुत मजा आएगा, डरो मत। हम साथ में हैं, डरने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। हे भगवान, आज तो बच गई। मजा आया, मजा आया। मुझे एक प्लेट। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। तू अपना मुंह बंद करेगी, बहुत हो गया। हाँ सुन, मैं कह रही हूँ चुप हो जा। अरे बेटा, तुम यहाँ घूम रहे हो? क्या हुआ चाचा? वहाँ तुम्हारी बीवियाँ दंगल कर रही हैं, जाओ। अरे नहीं, बंद करो, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुक जाओ। अरे क्या हुआ? अरे रुक जाओ, अरे क्या कर रही हो? लोग तमाशा देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जाओ, बंद करो, बंद। सुनो तो बात, सुनो, क्या कर रही हो तुम? अरे रुक जा, सुनो, हटो यहाँ से। अरे गाना बंद करो। घर चलो सीधे। मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो सिर्फ हंस रही थी, इसने पहले हाथ उठाया। तू ऐसे ही नहीं हंसी थी, मुझे चिढ़ाने के लिए हंसी थी तू। हाँ हाँ, चिढ़ाने के लिए हंसी थी मैं। आपने इसे सोने की चेन दी थी और मेरे लिए क्या लेकर आए? तू पत्नी नहीं है। तुम मुंह बंद रखो। किसने कहा, किसने कहा मैंने इसके लिए चेन खरीदी? इसकी चेन गिरवी रखी थी, उसी से साड़ियों का धंधा शुरू किया था, किसी तरह से पैसे बचा करके उसे वापस लाया था। इसका मतलब क्या मैं अपनी शादी में अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी? मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस तुम्हें वो। हाँ, मनाओ मनाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? कमरे में लेकर जाओ और प्यार से मनाओ इसे। जाओ अंदर, जब से ये लड़की आई है ना इस घर में, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। अरे ऐसा नहीं है। उषा मेरी बात तो सुनो, उषा, उषा सुनो तो। क्या है, क्या है? अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी, मुझे मत मारना, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही दर्द। नमस्ते सेठ। हाँ नमस्ते, नमस्ते, आओ बैठो, बैठो भाई बैठो। सेठ जी, मुझे दो सोने की चेन चाहिए, मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगा। मैं खुद तुमसे मिलने आने वाला था राम नरेश, अच्छा हुआ तुम ही आ गए। देखो तुम्हारा घर गिरवी रखा हुआ है, पूरे 2 साल से ज्यादा हो गए, मुझे अच्छा सौदा मिल रहा है तो सोचा उसे बेच दूं। अगर मैं मूल और ब्याज को गिनूं तो तुम्हें पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे। ये लो। अचानक घर छोड़ दूंगा तो मैं कहां जाऊंगा सेठ जी? तुम्हें अभी खाली करने की जरूरत नहीं है, तुम 2 महीने बाद भी खाली कर सकते हो। लेकिन सेठ जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। देखो पूरे 2 साल हो चुके हैं, मूल तो छोड़ो, तुमने ब्याज नहीं दिया और हालात देखकर लगता दे नहीं पाओगे, कपड़े के धंधे से कर पाना मुश्किल है, ऊपर से 3-3 बीवियां हैं तुम्हारी, तो पैसा लौटाना तुम्हारे लिए मुश्किल है, इसलिए तुम ये सौदा मान लो। सुनो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, चाहो तो सोच लो, तुम्हारे पास 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है, बाद में ये पैसे भी नहीं मिलेंगे, सोच समझ कर बता दो। Thank you.
कैसे गए, शर्मिंदा होना पड़ा, मान गया, घर भी गया और पत्नी की नजर में मेरी इज्जत भी गई, और सबसे जरूरी मैंने मन की शांति खो दी। हे भगवान, अब मैं जिंदा क्यों रहूं? आज किस गुनाह की सजा है मिल रही मुझे, ऐसा क्या कसूर हमसे हो गया? प्यार ही किया था और प्यार ही लुटाया था, फिर भी क्यों सुकून मेरा खो गया? होते हैं प्यार करने वाले जग में से कड़ो, इसको निभाता भला कौन है? गैरों को देते हैं नसीहतें कमाल की, उन पे कभी चला कौन है? बन जाता है वो बावरा जो चक्कर में प्यार के पड़ा, संसार की है रीत ये, वो बनता है पक्का बेवड़ा। बन जाता है वो बावरा जो चक्कर में प्यार के पड़ा, संसार की है रीत ये, वो बनता है पक्का बेवड़ा। शादी के कुछ ही दिनों के बाद ही उतरता है भूत, होता है चढ़ा जो प्यार का। शौक से मजे लो इश्क और आशिकी का यार, फिर मजा लो बीवियों के मार का। प्रेमिकाओं में सदैव देवियों का वास है, बीवियों में वास प्रेत भूत का। गलती से भी रूठ जाए तो पति के लिए बनती साक्षात रूप यमदूत का। बन जाता है वो बावरा जो चक्कर में प्यार के पड़ा, संसार की है रीत ये, वो बनता है पक्का बेवड़ा। बन जाता है वो बावरा जो चक्कर में प्यार के पड़ा, संसार की है रीत ये, वो बनता है पक्का बेवड़ा। तुम सबकी तो क्या है, मुझे घूर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, इस घर का मालिक हूँ, तुम सबको मेरी इज्जत करनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इज्जत नहीं है? कहाँ इज्जत? क्या हुआ बाबा? तुम रुक, मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। चुप, कहाँ है वो, कहाँ है? बाहर निकल, बाहर। क्या हुआ है? मेरे लिए इज्जत कहाँ है? मेरे लिए इज्जत कहाँ है? तुम लोगों की आंखों में मुझे अपने लिए इज्जत दिखनी चाहिए। किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो चमड़ी उधेड़ के उसकी चप्पल बनाऊंगा। क्या परेशानी है तुम सबकी? जब भी भूख लगती है तुम्हें खाने को मिलता है, पहनने को कपड़े मिलते हैं, फिर ये सब क्या है? बताओ, लड़ती क्यों रहती हो? इधर ना, तेरी माँ बहुत ही चालाक है, चालाकी से मुझे फंसा लिया। मेरी क्या गलती थी बताओ? सच सच बताना, मेरी गलती नहीं थी ना? सबने मेरी शादी करवा दी, इसकी जिंदगी मेरी जिंदगी सब बर्बाद कर दी। इसके बाद भी मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? कभी गुस्सा हुआ? इसकी तरह तुम्हारा भी ख्याल रखता हूं ना? एक मारूंगा ना। अब ये लो तुम्हारे लिए। अब तेरी बारी, तेरे को भी ना मैं ऐसे ही मारूंगा। ये डर चाहिए मुझे। 3 दिन तक मुझे कुछ खाने नहीं दिया, मुंह बना कर मुझसे दूर थी, जीना हराम कर रखा था इस पागल से शादी करवाने के लिए। इसके बाद भी कुछ कहा? मैंने तो उससे कुछ कहा? जब मैंने तुमसे कहा तीसरी शादी करने की बजाय मर जाऊंगा, तब तुमने क्या कहा? अरे बाबू, जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं। मुंह पे एक थप्पड़ मारकर मुझे मजबूर कर दिया था ना, किया था ना? ये सब क्या मेरी गलती है बताओ? छोड़ो ये सब, ये जब नई बीवी बनकर आए तो मैंने तुमसे प्यार कम किया? थोड़ा सा भी कम किया क्या? तुम्हें किस बात की सजा भोग रहा हूं? मैं एक अच्छा आदमी हूं, मेरे जैसे सीधे साधे आदमी अगर इस तरह से गुस्सा करने लगेंगे तो तुम लोगों के अंदर सुनामी आ जाएगी। बहुत सारी अच्छी औरतें तुम्हारे चक्कर में पिस जाएंगी। अरे तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, बस एक छोटी 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 सी चींटी हो। चींटी, अगर गुस्सा आ गया ना तो आग में जल जाओगी, याद रखना।
और सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर आज के बाद तुम दोनों ने फिर कभी झगड़ा किया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा, मारूंगा दोनों को। ये अब खुद इसको अपनी बहन को दे दो, या फिर इसको पकड़ के दो टुकड़े करो और आधा आधा पहनो। पिताजी, मैं तुम्हारी तरह शाही अंदाज में कष्ट लेते हुए मरना चाहता हूँ। मरना है मुझे, मरना है, मरना है मुझे। हमें माफ कर दो ना, अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे और ना ही आपका दिल दुखाएंगे। हाँ जानू, आप भगवान राम को मानते हैं ना, उनकी कसम खा के कहती हूँ अब नहीं झगड़ेंगे। और आज से खाना भी हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे, एक साथ खाएंगे और एक साथ ही रहेंगे। पति जी आ। पति जी आते समय ना बिस्कुट, चॉकलेट और चूड़ियां भी लेकर आना है। ये लीजिए। अरे चॉकलेट और चूड़ियां लाना मत। हाँ ले आऊं। चाचा, चाचा। सबको खुश करके जाने वाला राम नरेश घर लौटा लाश बनकर। बेटी, बेटी क्या हुआ? बेटी देखिए तो मेरी बेटी को क्या हुआ? देखिए ना इसे क्या हुआ? अरे थोड़ा पानी लेके आओ। अरे कोई पानी लेके आओ। बेटी, बेटी उठ जा, बेटी उठ जा। तुम भी माँ बनने वाली हो बेटी। हे भगवान। राम नरेश की जिंदगी में इतने ट्विस्ट। अरे पंडित जी आप लेट क्यों हो गए? रात हो रही है और लाश से बदबू भी आने लगी है। मुझे माफ करना बाबा, मैं एक शादी करवा रहा था जब मुझे इसके बारे में पता चला, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ ठीक है ठीक है, ये बताओ इसका बेटा तो है नहीं, चिता कौन जलाएगा? अरे मार डाला रे, बता क्या बात है? चिता किसकी जलानी है? तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार करना है। ओह अच्छा, बोलिए ना आप सोच क्या रहे हैं? ये तो धर्म संकट है, सबसे ज्ञानी गुरु तो यहीं बैठे हैं, आप ही कोई रास्ता बताइए गुरुजी। में अनारकली बाबा राम नरेश को वापस लेकर आएंगे इस दुनिया में? कहीं उन्होंने जो वो 5,000 मुझे दिए थे मुझसे वापस ना मांग ले। मांगने से पहले मैं चरणों में गिर जाऊंगा उनके। राम नरेश आत्मा प्रवेश करो। जय हो शिव शंभो। प्रणाम। उत्तिष्ठा 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 उत्तिष्ठा।
अनारकली बाबा की, अनारकली बाबा की, अनारकली बाबा की। सुबह होने से पहले मुझे ये गांव छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। निकलता हूँ। अगर तो मुझे मेरी गलतियों के लिए मुझे मारना चाहती है तो एक बार सोच ले और मुझे मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दे देवी। ए, बंद कर अपना ये नाटक, उठ जा। तू भूत है धत, मुझे लगा मेरी पत्नी है इसलिए डर गया। भूत से क्या मतलब है तेरा? जो मरने के बाद देखे जाते हैं उन्हें भूत कहते हैं। अबे मैं कब मरा? तू तो आज सुबह एक्सीडेंट में मर गया था। ओह, मतलब मरने वाले को मरने की वजह पता नहीं होती। वो जो मरा वो मैं नहीं था, वो तो अबे अभी टकरा जाता ना। मैंने इधर से एक रेखा खींची है, मुझे कोई नहीं मार सकता। भाई मुझे घर जाने दे, साड़ी पहन के घर जाता हूँ तो बीवियाँ बहुत नाराज होती है। वो तो सिर्फ नाराज होती है, मैं तो मार ही दूंगा तुझे। जाने देना भाई। तुझे अगर इस रेखा से बाहर जाना है तुझे अपने कपड़े देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। जल्दी दे मुझे। अरे भाई मेरी बाइक छोड़। क्या कर रहा है? बाइक दे मुझे। अरे पागल, फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं रोड के बगल वाले नाले में पड़ा था। मतलब तेरी पत्नी ने पागल का दाह संस्कार कर दिया? हाँ, वो लोग रोई भी बहुत होंगी ना। बहुत क्या, फूट फूट कर रोई बेचारी। मैं खुद भी अपने आंसू रोक नहीं पाया, लेकिन तेरी पागल वाली पत्नी कह रही थी ये उसके पति की लाश नहीं है। इसका मतलब वो तुम सबसे ज्यादा समझदार है। तुझे ऐसा लगता है क्या? अच्छा एक बात बताऊं क्या तुझे, तू पिता बनने वाला है। जयसुधा को छोड़कर बाकी दोनों गर्भवती हैं। सच में है? जाता हूं। ए, अरे रुक भाई। क्या है? मेरी पत्नी को उस अंधी वाली बात पता चल गई है, बाकी मेरे झूठ का और भगवान के रूप वाली बात सुबह होते ही उसे पता चल जाएगी। बहुत लात खाऊंगा यार, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भाई। तो अब क्या करना चाहिए भाई? एक प्रार्थना करता हूँ, अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में। स्वामी मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। प्रेम से बोलो अनारकली बाबा की जय हो। अनारकली बाबा की जय हो। अरे अरे वाह पति जी, पति जी, पति जी, पता है ये सभी लोग कह रहे थे कि तुम मर गए हो। मैं बहुत डर गई थी, पता है। डरने की जरूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। बाबू आप जिंदा हो? सेठ जी। स्वामी इस राम नरेश को उसका घर लौटा दीजिए, प्रभु आपको 10 गुना ज्यादा देंगे। आप जैसा कहें स्वामी। प्यार से बोलो अनारकली बाबा की। स्वामी मैंने आपको कई बार बहुत सारी परेशानियां दी हैं, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। स्वामी मेरी एक छोटी सी विनती है, आपने जैसे भैया को जिंदा किया वैसे ही मेरे पिताजी को भी जिंदा कर दीजिए ना। ये क्या बवाल है? एक बार जोर से बोलो अनारकली बाबा। हम सोचते कुछ और हैं, भगवान करता कुछ और है। हमें जो कुछ भी मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। हमने जिसकी इच्छा की थी अगर वो नहीं मिला तो ऐसी छोटी सी बात पर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। राम नरेश ने सोचा था कि वो एक पत्नी व्रता रहेगा पर वैसा नहीं हो पाया। अब वो 3 पत्नी और 6 बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है। प्यार का ये जाल है,
जान का जंजाल है, मुझको अब हर हाल में इसमें नहीं फंसना। हुस्न की ये फुलझड़ी है, बन गई आफत बड़ी, आग में इस प्यार के मुझको नहीं जलना। सोच के करना, जरा देख के करना, क्योंकि प्यार करना पड़ता है महंगा। इसमें सोचना है क्या, इसमें देखना है क्या, कितना पावर है मुझ में तुमने देखा देखा। हम है ऐसे मन मौजी, जानते सभी, करते अपनी मन मर्जी, सुनते न कभी। छूटे वादे कर जाना, वादे से ना अपने मुकर जाना। प्यार में ना झूठे वादे कर जाना, वादे से ना अपने मुकर जाना। गोरी हो या काली, पर होती दिल वाली, दुनिया से जुदा होती है घर वाली। होली आए चाहे फिर आए दिवाली, करते रहते मिलकर हम सब मस्ती ही खाली। हम है ऐसे मन मौजी, जानते सभी, करते अपनी मन मर्जी, सुनते ना कभी। Get there.